The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. आनंदो हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। लाइफ में दो ही कमजोरी है, पहले तो मिथुन का। आज का स्पेशल अमरीश पुरी भाजी, ऐश्वर्या राय, तनपम की रे जूटा वाला मिथुन स्पेशल, जलाती जलेबी, गुंडे का गुजिया, मां बतम मालपुआ, फुल शॉप। और दूसरा ट्रेवल नंबर चेड़ा चेड़ा, तुम दिन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, तुम्हें सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। बस कस्टमर कौन? कस्टमर नहीं, कस्टमर चूतिया है। कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, तुम बन गए एंटरप्रेन्योर। अपने आप को एंटरप्रेन्योर साबित करने का एक और मौका किस्मत ने मुझे दिया। हम जब रात को करते हैं तो पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, इटली से टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। डोंट वरी, मैं टॉप फ्लोर तक भी पहुंचती हूं और वहां से व्यू भी एंजॉय करती हूं। मतलब लिफ्ट बड़ों पर काम कर रही है? लिफ्ट और लिफ्टमैन दोनों। छोटा सा काम था। बोलो। बाबू के डैडी को जेल तोड़ के बाहर निकालना। अरे तो पहले बता दो, जो आदमी पेशाब करके बिना दो हैंडशेक कर ले, वो आदमी गलत है। सर, वो बल्ब जल जाता है लेकिन आग नहीं लगती। ये पुरुष जो होता है, राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर 12 सितंबर को आ गया। कई दिनों से इस फिल्म की चर्चा थी। स्त्री 2 और एनिमल के बाद राजकुमार और तृप्ति दोनों की ही अगली फिल्म का जनता को इंतजार था। कमाल की बात तो ये है कि ऑडियंस के इस इंतजार का फल मीठा भले ना हो, फनी जरूर है। लोगों का कहना है कि बहुत दिनों बाद कुछ फुल फ्लैश्ड कॉमेडी पिक्चर आ रही है, जिसे देखकर मौज आने वाली है। राजकुमार की इस पिक्चर की एक और बहुत खास बात है, ट्रेलर खत्म होते होते स्त्री 3 का भी हिंट मिला है। पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया या नहीं, पर फिक्र नॉट, हम बताते हैं ये हिंट कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की, जिसे देखकर पता चला कि कहानी विक्की और विद्या की है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। अपनी शादी को स्पेशल बनाने के लिए विक्की अपने और अपनी पत्नी के कुछ खास पलों को रिकॉर्ड करता है, मगर कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि मियां बीवी के इस प्राइवेट मोमेंट वाली सीडी चोरी हो गई है। अब पूरी कहानी इस सीडी को ढूंढने की है। कहां गई सीडी, कौन ले गया, पुलिस को छानबीन से पता चला, इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो राज स्टूडियो के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बैकड्रॉप 90s के दशक का है। इस बात को बहुत छोटी छोटी चीजों से दर्शाया गया है, जैसे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल नहीं कैमरे का उपयोग किया गया है, उसे स्टोर करने के लिए किसी तरह की पेन ड्राइव या लैपटॉप नहीं बल्कि सीडी का यूज हुआ है। एक सीन में सीडी चोरी करने वाले ने फिरौती मांगी है। अब आज के दशक में भले ही ये बहुत बड़ी रकम ना मानी जाती हो, मगर 90s के दशक में 2 लाख बहुत ज्यादा हुआ करते थे। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की स्टारकास्ट भी इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी तो हैं ही,
मगर इसके अलावा मलिका शरावत, विजय राज, टीकू तलसानिया, अर्चना पूरन सिंह, अश्वनी कालसेकर और मुकेश तिवारी फिल्म को अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। ट्रेलर के एक सीन में शहनाज गिल भी नजर आती हैं। मूवी में उनका एक डांस नंबर हो सकता है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में दिलेर मेहंदी का एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है नाना नाना नारे, जिसे रिक्रिएट किया गया है। पिक्चर में इसे कैसे यूज करते हैं ये तो देखना होगा। अब आते हैं सीन पर, जिसे पढ़कर आप खबर के अंदर आ गए हैं। फिल्म के ट्रेलर के लास्ट में एक सीन है जहां विक्की और विद्या एक कब्रिस्तान में गए हैं। इस सीन में विक्की के पीछे से अचानक से कुछ उड़कर जाता है। वीडियो को रोक कर देखेंगे तो आपको स्त्री की लाल साड़ी दिखाई देगी जो हवा में उड़ती दिख रही है। हालांकि ये फिल्म ना तो मैडॉक फिल्म के प्रोडक्शन की है, ना ही ये हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है। बस एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि स्त्री में भी राजकुमार राव नाम का विक्की होता है और इस फिल्म में भी उनके किरदार का नाम विक्की है। तो बहुत हद तक संभव है कि मेकर्स ने सिर्फ फैंस और ट्रिब्यूट देने के लिए ये हिस्सा जोड़ दिया हो। बाकी देखना होगा पिक्चर रिलीज होने के बाद स्त्री जितना कमाल कर पाती है या नहीं। एक और बात भी है जो नोट करने की है कि विक्की विद्या का वो वाले वीडियो का क्लैश बड़ी फिल्म से हो रहा है। आलिया भट्ट की जिगरा, रजनीकांत अमिताभ बच्चन की विक्टियान से होगा। जनता किस पर प्यार लुटाती है ये तो 11 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा, जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर कुछ ही दिनों पहले आया है, जिसे जनता का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। कुछ ने कहा बड़े दिनों बाद ऐसी फुल फ्लैश्ड फिल्म आई है, कुछ को फिल्म में नयापन दिखा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि राज संडिलिया के डायरेक्शन में बन रही ये पिक्चर साल 2014 में आई सेक्स टेप की कॉपी है। अब राज ने इस बातों का जवाब दिया। राज ने इससे पहले आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल जैसी फिल्म बनाई थी। अब विक्की विद्या की हॉलीवुड की कॉपी होने पर राज ने न्यूज एजेंसी टीपीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, किसी ने मुझे ट्वीट करके पूछा कि ये फिल्म सेक्स टेप की कॉपी है। मैंने कहा कि मेरी फिल्म में सेक्स है ही नहीं। मेरे एक राइटर ने मुझसे कहा कि सेक्स टेप में कपल का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, मगर हमारी फिल्म में कपल ने एक वीडियो बनाया है जिसकी सीडी गायब हो जाती है। राज ने आगे कहा, फिल्म के कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है। हमारी फिल्म का सेक्स टेप से कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने तो सेक्स टेप देखी भी नहीं है। मैं उससे किसी भी तरह प्रभावित नहीं हूँ, ना तो मेरे आसपास के लोग उस फिल्म से प्रभावित थे। राज ने ये भी बताया कि वो ऑलरेडी फिल्म के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जहाँ ये फिल्म खत्म होगी वहाँ से हम इसकी दूसरी कहानी को लिखना शुरू कर चुके हैं, जो इस टाइमलाइन से 10-15 साल बाद के समय में घटेगी, जब इंटरनेट का जमाना आ चुका होगा। हमने कहानी लगभग लिख ली है। मैं अपनी एक दूसरी फिल्म से फारिग होने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करूंगा। राज ने बताया कि विक्की विद्या की कहानी उसके को राइटर यूसुफ अली खान का आइडिया है, जिन्होंने साल 2018 में ही इसके स्क्रीन प्ले पर काम करना शुरू कर दिया था। बस कोरोना की वजह से ये फिल्म टलती चली गई। राज ने ये भी बताया कि वो विक्की विद्या को ड्रीम गर्ल 2 से पहले बनाना चाहते थे, मगर किसी कारणवश ये ना हो पाया। राज ने ये भी बताया कि कहानी की डिमांड की वजह से राजकुमार राव को कास्ट किया गया। तृप्ति डिमरी को एनिमल से पहले ही साइन कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि वो 90s के दशक को पर्दे पर उतारना चाहते हैं, इसलिए फिल्म को वैसा टच दिया है जैसे राजकुमार राव के लंबे बाल, जैसे उस समय अमिताभ बच्चन और संजय दत्त के हुआ करते थे। खैर, सेक्स टेप फिल्म की बात करें तो ये कहानी शादीशुदा कपल की है जो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए प्राइवेट मोमेंट का वीडियो बनाते हैं, मगर अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उनका ये वीडियो वायरल हो गया है। उधर विक्की विद्या की कहानी दो शादीशुदा कपल की है जो अपनी वेडिंग नाइट का टेप बनाते हैं। अगले दिन उनकी वो सीडी कहीं खो जाती है। 11 अक्टूबर को पिक्चर थिएटर में रिलीज होने वाली है। देखना होगा कि पिक्चर को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी जल्द ही कॉमेडी ड्रामा फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था जो पारिवारिक ड्रामा 90s की दशक की यादों, हादसे और रहस्यों से भरा हुआ था। वहीं अब फिल्म के निर्माता इसका पहला गाना रिलीज कर चुके हैं, जिसने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ा दिया है। तुम जो मिले हो गाने में लीड के बीच चंचल केमिस्ट्री को दिखाता है और ये आपको 90s के दशक में ले जाने का वादा करता है।
19 सितंबर 2024 को आगामी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहला गाना रिलीज किया है। तुम जो मिले हो टाइटल वाले इस गाने को सचिन जिगर ने कंपोज किया और विशाल मिश्रा ने दोनों के साथ मिलकर गाया है। गाने के बोल यानी लिरिक्स प्रिय श्रिया ने लिखे हैं। वहीं अगर विशाल मिश्रा की बात करें तो ये तृप्ति डिमरी और विशाल मिश्रा का कमबैक है। लास्ट में दोनों ने एक ही मूवी में काम किया था, जहां तृप्ति ने एक्टिंग की, वहीं विशाल ने लोगों को अपनी आवाज से कायल किया। बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर विशाल मिश्रा अपनी दर्द भरी आवाज से लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। विशाल एक शानदार सिंगर हैं और वो फिल्मों में गाने के साथ साथ म्यूजिक एल्बम से भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। विशाल ने मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल के लिए सॉन्ग पहले भी गाए हैं जो चार्टबस्टर लिस्ट में हैं। हाल ही में विशाल ने अपने उभरते सिंगिंग करियर के बीच एक लग्जरी कार खरीदी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। विशाल मिश्रा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फैमिली से जुड़े नए मेंबर की झलक दिखाई है। सिंगर ने चमचमाती मर्सिडीज बेंच मेबैच खरीदी है। ये गुड न्यूज अपने फैंस को देते हुए सिंगर ने अपने पोस्ट में कैप्शन में लिखा है, घर में नई सवारी का स्वागत किया है, बहुत आभारी हूँ, मर्सिडीज बेंच मेबैच 600 खरीदी है, ये सब आपके प्यार से है, जय माता दी। न्यूज वीडियो की शुरुआत राजकुमार राव के किरदार विक्की से होती है जो एक मेहंदी कलाकार है और तृप्ति डिमरी की विद्या के साथ फ्लर्ट करता है। वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत जगहों पर डांस करते हैं जिससे ये एक जीवंत गाना बन जाता है। इस प्रेम गीत की धुन और बोल 90s के दशक की झलक दिखाते हैं। तुम जो मिले हो तो दो प्यार वाली बातें करेंगे हम लाइन काफी आकर्षित है। इससे पहले ट्रेलर रिलीज होने के बाद से फिल्म पर ये आरोप लगाया गया था कि इसकी कहानी हॉलीवुड फिल्म से कॉपी की गई है। हालांकि फिल्म के निर्देशक राज ने प्रतिक्रिया दी थी। राज ने फिल्म की कहानी सेक्स टेप से कॉपी होने के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी फिल्म का हॉलीवुड फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी अभिनीति उनकी आगामी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का कैमरून डियाज की सेक्स टेप से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म निर्माता ने ये भी कहा कि उन्होंने जेसन सेगल और कैमरून डियाज की 2014 की फिल्म भी नहीं देखी है। राज संडिलिया द्वारा निर्देशित विक्की विद्या का वो वाला वीडियो 1990 के दशक की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को शुद्ध मसाला इंटरनेट के रूप में बताया जा रहा है। फिल्म को राज संडिलिया ने लिखा है और निर्देशित किया है और संगीत सचिन और जिगर ने दिए हैं। ये पारिवारिक ड्रामा 11 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। सिंगर अदनान सामी, जिन्होंने राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की अगली फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में अपनी आवाज दी थी, को हटा दिया गया है। खबर है कि राव ने निजी चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें पार्श्व गायक के रूप में बदलने का दबाव डाला था, क्योंकि उनकी खुद की लिपसिंग अदनान के प्रदर्शन में शक्तिशाली मुख भाव के अनुरूप नहीं होगा। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार अदनान सामी को टी सीरीज म्यूजिक लेबल और निर्देशक जोड़ी सचिन जिगर ने 9 साल के अंतराल के बाद एक रोमांटिक गाना गाने के लिए अपनी प्रसिद्ध आवाज देने के लिए संपर्क किया था। धुन और भूषण कुमार के साथ अपने बेहद करीब रिश्ते को देखते हुए अदनान सामी ने ये सहमति जताई और एक शानदार प्रदर्शन दिया। हालांकि राजकुमार राव, जिन्होंने पहले ही फिल्म के दृश्य फिल्माए थे और एक अस्थाई आवाज का उपयोग करके पिछले संस्करण पर लिपसिंग किया था, ने अदनान सामी की शक्तिशाली स्वरों के साथ अपने भाव को मिलाने के बारे में अपनी असुरक्षा व्यक्त की। टीम के आश्वासन के बावजूद राव ने कथित तौर पर पार्श्व गायक को बदलने की मांग करते हुए अपना पैर पीछे खींच लिया है। तब तक संगीत जोड़ी और लेबल द्वारा ये घोषणा करी जा चुकी थी कि अदनान सामी ने गीत गाया है और इसलिए मीडिया ने इसे बहुत उत्साह के साथ कवर किया। मीडिया में टिप्पणी के लिए राजकुमार राव की टीम से भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अदनान सामी ने कसूर और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के साथ अपनी वापसी करने के अनुभव को साझा किया था। उन्होंने कहा, ये कोई सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा था जो हुआ। मुझे मुख्य रूप से खुद को ठीक करके तरोताजा करने और कुछ नया सुनने के लिए ग्रहणशील होने के लिए थोड़ा समय चाहिए था।
आपको वास्तव में एहसास नहीं होता कि ये इतना लंबा अंतराल रहा है, क्योंकि समय बहुत तेजी से भागता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी और मैंने भर दो झोली गाया था। जब आप पीछे देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत समय बीत गया है। मैं नए गाने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। इसी बीच राजकुमार राव अपनी हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 की सफलता का आनंद ले रहे हैं। तृप्ति 2023 की हिट फिल्म एनिमल का भी हिस्सा थी, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में थे। वहीं अगर तृप्ति डिमरी की हाल ही रिलीज हुई बात करें तो कुछ फिल्में सदा के लिए बनती हैं। इन दिनों सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने का और कमाई करने का इस बात का प्रमाण है। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म लैला मजनू उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन जब वो पिछले दिनों दोबारा रिलीज हुई तो दर्शक की प्रतिक्रिया कमाल की रही। OTT पर तो तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी स्टारर इस मूवी ने कमाल किया ही, लेकिन इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई। इस फिल्म से डेब्यू करने वाली तृप्ति डिमरी के लिए ये फिल्म बहुत खास है। वही कहती है, जब लैला मजनू आई थी तब लगा था ये तो जरूर हिट होगी। मैं बहुत नई थी, मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। मुझे लगता था कि इस फिल्म के बाद मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी, लोग मुझे पहचान लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन OTT पर उसे देखा गया। फिल्म के 6 साल बाद भी ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मुझे उस फिल्म के लिए मैसेज नहीं आया है या मैं किसी से कहीं टकरा जाऊं तो लैला मजनू का जिक्र ना हो। ये किसी फिल्म की असली सफलता होती है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को लेकर चर्चा में रहे हैं। राज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ तृप्ति डिमरी दिखाई देने वाली है। ये फिल्म 11 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। फिल्म के सितारे इन दिनों अपनी फिल्म की प्रमोशन में बिजी है। इसी सिलसिले में राजकुमार राव लखनऊ के SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल में पहुंचे। उसके साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद थी। उन्होंने अपनी इस अपकमिंग फिल्म के बारे में SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल के स्टूडेंट से खुलकर बात की। इस दौरान सभी स्टूडेंट्स का उत्साह देखकर लगा था हर किसी की जुबां पर राजकुमार राव का नाम था। इस कार्यक्रम में SR ग्रुप के संस्थापक और विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, SR ग्रुप के वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान, वाइस चेयरपर्सन सुभाष सिंह चौहान और शिक्षक शामिल थे। अपनी फिल्म के एक नए गाने तुम जो मिले हो के लॉन्च के मौके पर SR इंस्टीट्यूट में पहुंच के राजकुमार राव ने कहा कि जिस तरह आपने स्त्री 2 के विक्की को प्यार दिया है उसी तरह इस विक्की को भी दीजिएगा। गाने को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि आपने स्त्री 2 के आई नहीं को आपने इतना बड़ा हिट बना दिया कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोच लिया कि इस बार भी हमारा पहला गाना लखनऊ में ही लॉन्च होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल में स्टूडेंट्स का उत्साह देखकर मैं हैरान हूं, क्योंकि इस तरह की एनर्जी बहुत कम देखने को मिलती है। पवन सिंह चौहान ने इस खास मौके पर कहा कि हम राजकुमार राव के आभारी हैं कि आपने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए उनके SR ग्रुप को चुना। उन्होंने राजकुमार राव को रामलाल की प्रतिमा की भेंट की। SR ग्रुप के वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान ने इस खास मौके पर कहा कि राजकुमार राव एक बेहतरीन अभिनेता है, उनका लखनऊ आना और SR ग्रुप को अपने प्रमोशन के लिए चुनना हमें ये बताता है कि SR ग्रुप सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। मैं राजकुमार राव को धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ आए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं और मेरा पूरा कॉलेज विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जरूर देखेगा। स्त्री 2 की रिलीज के समय भी राजकुमार राव श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म प्रमोशन के लिए लखनऊ गए थे। वहाँ उन दोनों के साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी थे, जिन्होंने फिल्म के गाने आई नहीं को अपनी आवाज दी है। स्त्री 2 ने दुनिया भर में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब देखना होगा कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के जरिए राजकुमार राव लोगों के ऊपर कैसा जादू चलाते हैं। थिएटर में इस फिल्म का रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि 11 अक्टूबर को ही आलिया भट्ट अपनी फिल्म जिगरा लेकर आ रही हैं। दोनों फिल्मों के बीच क्लैश होने वाला है। इस फिल्म के पोस्टर में 97% पारिवारिक लिखा गया है। राजकुमार राव ने कहा कि ये फिल्म आपको हंसाएगी, ये मेरी गारंटी है। एक्टर राजकुमार राव ने दैनिक भास्कर में खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि मौका मिले तो मैं भगत सिंह का रोल करना चाहता हूं। मैंने उन्हें बहुत पढ़ा है। अपने अभिनय की शुरुआत रामलीला से बताने वाले राजकुमार ने कहा
किसी को भी हंसाना आसान काम नहीं है। आइए जानते हैं एक्टर ने क्या क्या कहा। इस प्रमोशन के दौरान मीडिया वालों ने राजकुमार राव से पूछ डाला कि नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी MMS लीक का मामला है। तब राजकुमार राव ने कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छी फिल्म है, फिल्म देखकर मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार फिर से बहुत हंसने वाले हैं, वैसे भी किसी को हंसाना आसान काम नहीं है। अक्टूबर का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए बमचक होने वाला है, क्योंकि इस महीने बड़े पर्दे पर एक दो नहीं बल्कि चार बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। खास बात यह है कि चारों एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, बड़े बजट के बड़े स्टार्स की बड़ी फिल्में। मेकर्स भले ही इन फिल्मों के क्लैश से घबरा रहे हो, मगर जनता खुश है, क्योंकि उनके पास देखने के लिए चार चार ऑप्शन है। कौन सी है ये चार फिल्में, आइए जानते हैं। पहली है जिगरा, आलिया भट्ट और वेदांग रायना की जिगरा, 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। वासन बाला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का टीजर 8 सितंबर को आया, जिसमें आलिया भट्ट का पावरफुल रोल लोगों को भा गया। भाई बहन के रिश्ते को दिखाती इस फिल्म में आलिया कमाल का एक्शन करती नजर आ रही हैं। ये जेल तोड़कर भाई को बचाने वाली इस फिल्म में हिट होने का पोटेंशियल है। फिर वासन बाला की बनाई दो फिल्में मर्द को दर्द नहीं होता और मोनिका ओ माई डार्लिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो जिगरा से भी लोगों को काफी उम्मीद होगी। दूसरी फिल्म है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर 12 सितंबर को आया है, जिसे भयंकर रिस्पॉन्स मिला है। लोग कह रहे हैं कई साल बाद ऐसी फुल फ्लैश कॉमेडी फिल्म आई है। फिल्म के चलने की दो मेजर वजह, इस फिल्म के दो लीड कास्ट भी हैं। पहले राजकुमार राव, जिन्होंने हाल ही में आई फिल्म स्त्री 2 में खूब नोट छापे। दूसरी तृप्ति डिमरी, जिनकी पिछले साल आई एनिमल से उन्हें बहुत ज्यादा हाइप मिल गई। तीसरी फिल्म बैड एज रवि कुमार। हिमेश रेशमिया के गानों ने तो धमाल करा ही है, अब कई साल बाद वो बड़े पर्दे पर बतौर एक्टर कमबैक करने जा रहे हैं। उनकी फिल्म का नाम बैड एज रवि कुमार। इसका ट्रेलर तो लोगों को कुछ खास नहीं लगा, मगर क्या पता बड़े पर्दे पर अपने कंटेंट के दम पर चल निकले। हिमेश रेशमिया की इस पिक्चर को डायरेक्ट भी खुद हिमेश ही कर रहे हैं। ये फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों में उतारी जाएगी। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज के लिए अनाउंस्ड हुई थी, मगर अभी तक इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है, इसलिए ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये फिल्म 11 अक्टूबर को आएगी ही। चौथी फिल्म है वेंटियान। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन सिनेमा जगत के दो धुरंधरों की ये तमिल फिल्म वेंटियान सबसे बड़ा कंपटीशन है। टीजे ज्ञानवेल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में फहद फाजिल, राणा डुगुपति जैसे एक्टर भी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पिक्चर का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रा दे रहे हैं। इनका म्यूजिक और स्टार कास्ट जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए काफी है। अब देखना ये होगा कि इन चारों फिल्मों में से जनता अपना प्यार किस पर लुटाती है। वैसे तो अनुमन फिल्म के क्लैश से मेकर्स बचते आ रहे हैं, वैसे नहीं चाहते कि उनकी फिल्म की टकराव किसी भी बड़ी फिल्म से हो, क्योंकि ऐसे में दोनों ही फिल्मों की कमाई पर असर पड़ता है। मगर कोविड के बाद से ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर फिल्मों का क्लैश हो रहा है। कमाल की बात तो ये है कि इस क्लैश के बावजूद भी फिल्में अच्छा कर रही हैं। इसका हालिया उदाहरण सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी की OMG 2 है। दोनों ही एक ही दिन रिलीज हुई और दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया। अब इस साल दिवाली में भी दो बड़ी फिल्में टकराने वाली है, अजय देवगन की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3। मेकर्स भले ही क्लैश करें, मगर इन क्लैश से जनता की मौज तो हो ही जाती है। जुलाई 2023 में आनंद एल राय ने अपनी आगामी फिल्म तेरे इश्क में अनाउंस की थी। फिल्म का ट्रीजर रिलीज किया गया, लीड रोल में धनुष थे। रांझना और अतरंगी रे के बाद धनुष फिर से आनंद के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक फिल्म का कोई अपडेट नहीं आया। हाल ही में खबर चली कि फिल्म में तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया गया है। आनंद ने इस पे बात की है। बीते जुलाई में पैपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेरे इश्क में फिल्म में धनुष के साथ तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया गया है। आनंद एल राय ने तृप्ति का काम देखा और उन्हें लगा कि वो इमोशनल किरदार निभा सकेंगी। उनके सामने धनुष शंकर नाम के एक एंग्री यंग मैन के रोल में दिखेंगे। जूम के इंटरव्यू के अंदर इस बारे में पूछा गया, उनका जवाब था,
ऐसा अनुमान चलने दीजिए, मैं जल्द ही फिल्म की कास्ट अनाउंस कर दूंगा। तेरे इश्क में पर काफी पहले काम शुरू होना था लेकिन धनुष की डेट्स के चलते ये खिसकती रही। इस फिल्म को रांझणा के 10 साल पूरे होने पर अनाउंस किया गया था। तब लोग दोनों में काफी समानताएं ढूंढने लगे। ये खबर चलने लगी कि ये किस तरह से रांझणा से जुड़ी हुई है। पर अब आनंद का कहना था, तेरे इश्क में पूरी तरह से अलग कहानी है। मूड एनर्जी और फील की वजह से आपको इस फिल्म में रांझणा की महक आ सकती है। कुंदन और ये लड़का एक जैसे लोग हैं, बस ये इश्क में दुनिया को जला कर रख देगा। आनंद एल राय ने कहा कि वो जल्द ही फिल्म की पूरी कास्ट अनाउंस कर देंगे, तब साफ हो जाएगा कि तृप्ति इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं। हालांकि एनिमल के बाद से तृप्ति को लगातार बड़ी फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले अनाउंस किया गया था कि वो विशाल भारद्वाज की फिल्म में भी नजर आएंगी। उसके साथ यहाँ शाहिद कपूर भी होंगे। साजिद नाडियाडवाला फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसे एक एक्शन एंटरटेनर बताया जा रहा है। इसके अलावा 11 अक्टूबर को उनकी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो भी रिलीज होने वाली है। इस कॉमेडी फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव हैं। ड्रीम गर्ल वाले राज सांडिलिया ने ये फिल्म बनाई है। तृप्ति की अगली फिल्म रिलीज भूल भुलैया 3 होगी। कास्ट में कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन जैसे नाम हैं। ये फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है। स्टार कास्ट से याद आया, भूल भुलैया 3 की कास्ट भी काफी लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। खबरें थी कि दूसरे की तरह तीसरे पार्ट के लिए भी तब्बू को अप्रोच किया गया था, मगर तब्बू ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उसके बाद विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को इस फिल्म से जोड़ा गया। विद्या पहले भी भूल भुलैया का हिस्सा थी, उन्होंने मंजुलिका का रोल निभाया था। वो तीसरे पार्ट में वही रोल कंटिन्यू करेंगी या मेकर्स ने उनके लिए कुछ नया गढ़ा है, ये तो देखना बाकी है। हालांकि कार्तिक ने जैसे विद्या की कास्टिंग अनाउंस की थी, उससे ऐसा ही लग रहा था कि वो फिर से मंजुलिका के रोल में दिखाई दे सकती हैं। माधुरी बिल्कुल ही नई एंट्री है। भूल भुलैया 2 में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी की जोड़ी बनी थी, मगर तीसरे पार्ट से कियारा को भी बाहर रखा गया है। भूल भुलैया 3 में कार्तिक के साथ तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। जोया के रोल को तृप्ति डिमरी ने निभाया है। मूवी के बाद हर तरफ भाभी 2 के नाम से तृप्ति डिमरी की चर्चा होने लगी है। मूवी में रणवीर के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में काफी लैमलाइट बटोरी है। लोगों को वो इतनी पसंद आई कि उन्हें नेशनल क्रश का टैग भी दिया गया। यही नहीं, एनिमल के बाद रातों रात उनके फॉलोअर्स भी अचानक बढ़ गए। ऐसे में अब तृप्ति ने इस पर रिएक्ट किया है। तृप्ति डिमरी के वर्कफुट की बात करें तो वो बुलबुल और काल जैसी बेहतरीन वेब सीरीज में नजर आ चुकी है। इन दोनों सीरीज में तृप्ति की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। एनिमल में जोया के किरदार के बाद अब तृप्ति की हाल ही में रिलीज हुई मूवी विक्की कौशल के साथ मेरे महबूब मेरे सनम में रोमांस करती नजर आई। तृप्ति डिमरी का उत्तराखंड के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। वो एक युवा भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। तृप्ति बॉलीवुड फिल्मों में अपने कार्य के लिए जानी जाती है। इन्होंने साल 2017 में फिल्म पोस्ट ब्यास के साथ अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी और उसके बाद साल 2018 में लैला मजनू और 2020 में बुलबुल जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली है। अभिनेत्री तृप्ति डिमरी एक अच्छी सिंगर भी हैं और प्रसिद्ध गायकों के साथ लाइव सिंगिंग शो में भी परफॉर्म करती हैं। वर्तमान में तृप्ति डिमरी अनुष्का शर्मा के भाई करण शर्मा को डेट कर रही हैं। अभिनेत्री तृप्ति डिमरी की उम्र 29 साल है। तृप्ति हमेशा से ही ग्लैमर की दुनिया की ओर आकर्षित रही हैं। बता दे, तृप्ति कुत्ता प्रेमी है और उनके पास 4 पालतू कुत्ते हैं। उन्हें अपने खाली समय में स्विमिंग करना, दूर अलग अलग जगहों पर जाना पसंद है। एनिमल की सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी के फॉलोअर्स अचानक से बढ़े हैं। ऐसे में अब इस पर तृप्ति ने रिएक्ट किया कि फिल्म में मेरा रोल बहुत छोटा था और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस रोल को इतना पसंद किया जाएगा। वैसे तो मैं कभी फॉलोअर्स का कोई हिसाब नहीं रखती हूँ, लेकिन घर वाले और मेरे फ्रेंड्स मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर बताते हैं कि तुम्हारे इतनी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तृप्ति डिमरी की कुल नेटवर्थ लगभग 25-30 करोड़ रुपए है। पहले ये एक फिल्म करने के 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी, लेकिन एनिमल के लिए इस एक्ट्रेस को 40 लाख रुपए का चेक दिया गया था। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि तृप्ति ने इस फिल्म के बाद अपनी फीस इससे भी ज्यादा बढ़ा दी है। तृप्ति ने फिरोजाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है।
उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की है। FTII पुणे से इन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया है। तृप्ति डिमरी की फिल्म इंडस्ट्री में करियर की आकांक्षाएं टेलीविजन विज्ञापनों में उनके काम से शुरू हुई, जिसमें से एक ने ऑनलाइन लोकप्रियता हासिल की। उसके बाद उनकी यात्रा ने उन्हें FTII में एक्टिंग करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनका लक्ष्य फिल्मों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना था। डिमरी ने 2020 की सुपर नेचुरल थ्रिलर बुलबुल में शानदार शुरुआत की। इस वेब सीरीज में पौली डैम, अविनाश तिवारी और परमव्रत चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित और अवंतिका दत्त गुप्तान द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों से ही प्रशंसा मिली। बुलबुल में उनके बेहतरीन काम ने उन्हें वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर OTT पुरस्कार भी दिया गया। एनिमल में रणबीर कपूर के साथ तृप्ति डिमरी की परफॉर्मेंस ने हर किसी के दिल में खास जगह बना ली है। तृप्ति को ना केवल उनकी एक्टिंग के लिए तारीफें मिली, बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। एक्ट्रेस की हर छोटी बड़ी बात इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो जा रही है। इसी बीच उनकी एक फोटो किसी के साथ छाई हुई है और इसने लिंकअप की खबरों को जन्म दिया है। दोस्त की शादी से तृप्ति की किसी एक मिस्ट्री मैन के साथ फोटो वायरल हो गई है। ऑनलाइन शेयर की गई इस तस्वीर में से एक सेल्फी थी, जिसमें तृप्ति डिमरी सैम मर्चेंट नाम के एक व्यक्ति के साथ थी। तृप्ति ने फंक्शन में कई दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाई, उनमें से एक सैम भी थे, जो सफेद कपड़ों में बेहद हैंडसम लग रहे थे। यहां तक कि दोनों ने साथ मिलकर एक प्यारी सी सेल्फी भी खिंचवाई, जो अब हर जगह पहुंच गई है। फोटो तेजी से फैंस के हैंडल पर पहुंच गई, जिससे दोनों के बीच रोमांस की खबरें और अटकने तेज हो गई। गपशप का बाजार गर्म है कि तृप्ति और सैम एक नए लव बर्ड्स भी हो सकते हैं। फैंस ने सैम के बारे में थोड़ी खोजबीन की, जिसके इंस्टाग्राम बायो से पता चला कि वो एक रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं और गोवा में वाटसर बीच लॉन्च एंड ग्रिल के फाउंडर हैं। उनकी लाइफस्टाइल देखकर तो ऐसा लगा कि वो काफी रईस हैं। ऐसा लगता है कि सैम मर्चेंट सेलिब्रिटीज के साथ दोस्ती रखते हैं और तृप्ति के अलावा टाइगर श्रॉफ और दिशा पठानी भी उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। जैसे जैसे खबरें फैल रही हैं, फैंस और मीडिया की नजरें इन जोड़ी पर टिकी हैं कि क्या इन अफवाहों में कोई सच्चाई है। बता दें कि इससे पहले तृप्ति डिमरी अनुष्का शर्मा के भाई करणेश शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थी। कुछ 6 महीने पहले दोनों ने अपने रिश्ते अलग कर लिए। क्रिकेटर विराट कोहली दुनिया भर में सबसे फेमस क्रिकेटर में से एक है और लोग नहीं जानते कि सिर्फ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ही नहीं, बल्कि उनके साले भी बॉलीवुड में धूम मचा रहे हैं। कोहली के साले यानी अनुष्का शर्मा के भाई करणेश शर्मा कोई और नहीं बल्कि भारत के एक सफल फिल्म मेकर हैं। करणेश शर्मा अनुष्का शर्मा के बड़े भाई और विराट कोहली के साले हैं। करणेश ने अनुष्का के साथ मिलकर अपने करोड़ों रुपए के प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स की स्थापना की, जिसने पिछले दशक में कई हिट फिल्में दी हैं। करणेश के प्रोडक्शन हाउस ने नेटफ्लिक्स और अमेजोन के साथ मिलकर एक डील साइन की है और ये सौदा 400 करोड़ रुपए से अधिक का है। करणेश शर्मा इसके तहत 8 फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। इस बिजनेस डील के तहत पहली फिल्म कला थी, जो एक बड़ी हिट बन गई और अपने संगीत के लिए इसने खूब तारीफ बटोरी। उम्मीद है कि उनके नए OTT रिलीज का नाम जल्द ही सामने आएगा। कई मीडिया अनाउंसमेंट के मुताबिक करणेश शर्मा की कुल नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए है। टॉफलर के अनुसार अनुष्का शर्मा और करणेश शर्मा ने 2013 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और एक दशक बाद क्लीन स्लेट फिल्म्स की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है। हालांकि बाद में अनुष्का इससे अलग हो गई। करणेश शर्मा ने अपनी छोटी बहन की कई हिट फिल्में भी बनाई है, जिसमें फ्लोरी और NH10 शामिल है। करणेश की सफलता की यात्रा उनके प्रोडक्शन डेब्यू NH10 से शुरू हुई, जिसमें उनकी बहन अनुष्का शर्मा ने काम किया था। 30 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन इसे पिछले कुछ वर्षों में बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म्स में से एक माना गया। NH10 के अलावा करणेश शर्मा ने फ्लोरी, परी और बुलबुल सहित कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी सबसे हालिया फिल्म कला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसने लोगों के बीच भारी सफलता हासिल की। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल पिछले साल दिसंबर में हॉट टॉपिक बनी रही थी। जनता को फिल्म बहुत पसंद आ रही थी और इसलिए इसकी कमाई भी खूब धुआंधार हुई। फिल्म को रिव्यू भले ही मिक्स मिले हो,
लेकिन इस बात से आलोचना करने वाले भी सहमत हैं कि रणबीर कपूर ने फिल्म में खुद को पूरी तरह सरेंडर करके काम किया था। रणबीर के अलावा फिल्म की कास्ट के दो एक्टर्स के बारे में भी लोगों ने खूब बात करी थी, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी। एनिमल में बॉबी देओल विलन के रोल में है और उनका पहला लुक देखने के बाद ही लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फिल्म में तो उन्होंने ऐसा काम किया था कि बड़े लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद उनका किरदार लोगों के दिमाग में छप गया है। वहीं तृप्ति डिमरी को वांगा ने एक सरप्राइज पैकेज की तरह यूज किया था। फिल्म में उनका किरदार जो ट्विस्ट लेकर आता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। बॉबी और तृप्ति ने 2017 में आई फिल्म पोस्टर बॉयज में साथ काम किया। फिल्म में इन दोनों के साथ सनी देओल, श्रेयस तलपड़े, सोनाली कुलकर्णी और समीक्षा भट्टाचार्य भी थे। पोस्टर बॉयज में बॉबी ने प्राइमरी स्कूल के टीचर विनय कुमार शर्मा का किरदार निभाया था, जबकि तृप्ति श्रेयस की गर्लफ्रेंड के रोल में थी। ये कॉमेडी फिल्म थिएटर में कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बॉबी और तृप्ति आज अपनी उस फिल्म से काफी आगे निकल आए हैं। पोस्टर बॉयज तृप्ति की पहली फिल्म थी। तृप्ति डिमरी की एनिमल ने ऐसी किस्मत चमकाई कि उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। मौके की नजाकत को समझते हुए तृप्ति ने भी अपनी फीस करीब करीब डबल कर ली है। 123 तेलुगु की एक रिपोर्ट ने बताया गया है कि तृप्ति डिमरी ने अपनी फीस 6 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देवरा के लिए जानवी कपूर को करीब 5 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिले हैं। रिपोर्ट ने बताया है कि पहले जानवी कपूर 3 करोड़ एक फिल्म के लिए चार्ज करती थी, लेकिन उन्होंने फीस बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। यानी तृप्ति की फीस के मामले में जानवी कपूर से भी दुगनी वैल्यू लगी है। एनिमल के बाद तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज थी। इस फिल्म में वो विकी कौशल और एमी विक के साथ नजर आई। फिल्म कामयाब रही। इसके अलावा आने वाले दिनों में तृप्ति डिमरी के पास कई बड़ी फिल्में हैं। हाल ही में तृप्ति और राजकुमार राव की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर आया है। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी फिल्म भूल भुलैया 3 में तृप्ति डिमरी की एंट्री हो चुकी है। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी नजर आई थी, लेकिन तृप्ति ने इसके तीसरे पार्ट में कियारा को रिप्लेस कर दिया है। कार्तिक ने तृप्ति को खुद फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था। भूल भुलैया 3 इस साल नवंबर में दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसके अलावा तृप्ति डिमरी धड़क के सीक्वल में भी दिखाई देंगी। इस फिल्म में वो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर पहले ही आ चुका है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। फिल्म का निर्देशन साजिया इकबाल कर रही हैं। ये फिल्म भी इस साल आएगी। इसे 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ये तमिल फिल्म पेरियरम पेरुमा का हिंदी रीमेक होगा। धड़क 2 साल 2018 में आई जानवी कपूर और ईशांत कट्टर की धड़क का सीक्वल है। बॉलीवुड में कब किसकी तकदीर बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। आज कोई फ्लॉप स्टार है पर कल फ्लॉप भी रहेगा ये कहना नामुमकिन है। कभी कभी तो छोटे से रोल से ही एक्टर की दुनिया बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है तृप्ति डिमरी के साथ। तृप्ति ने अपने करियर में कई फिल्में की, उनकी एक्टिंग को सराहा गया, लेकिन असली पहचान संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल से उन्हें हासिल हुई। पर एनिमल में तृप्ति मेन फीमेल लीड नहीं थी, उनका रोल छोटा सा था, पर अपने छोटे से ही रोल में तृप्ति नेशनल क्रश बन गई। उन्हें भाभी 2 कहा जाने लगा। यंग जनरेशन की एक्टर्स में से अगर इन दिनों सबसे ज्यादा किसी का नाम सुर्खियों पर है तो वो और कोई नहीं बल्कि तृप्ति डिमरी है। यूं तो उन्होंने साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म पोस्टर बॉयज से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने लैला मजनू, कला और बुलबुल जैसी फिल्में की, लेकिन वो लोगों की नजरों में साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से आई। इस फिल्म में जोया का किरदार निभाकर वो छा गई। तृप्ति डिमरी ने इससे पहले भी काम किया, लेकिन ये फिल्म उनके लिए लकी साबित हुई। एक के बाद एक उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। अब उन्होंने शाहिद कपूर के साथ आने वाले प्रोडक्शन की घोषणा की है। जी हाँ, जल्द ही शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज साथ मिलकर एक बेहतरीन फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी होंगी। फिल्म का ट्रेलर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये एक एक्शन एंटरटेनर होने वाली है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और एक्शन सब देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और उसी के साथ इसके नाम की घोषणा भी की जाएगी।
तृप्ति डिमरी ने इंटरनेट पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, मेरे प्रतिभाशाली निर्देशक, मेरे प्रिय मित्र विशाल भारद्वाज और बेहतरीन पावर हाउस शाहिद कपूर के साथ जुड़कर बहुत खुश हूँ। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का इंतजार फैंस काफी वक्त से कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले तृप्ति ने फिल्म की शूटिंग का एक BTS वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्हें और राजकुमार राव को मस्ती भरे अंदाज में देखा गया था। अब इस फिल्म का दमदार और बेहद फाइन ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। ट्रेलर को देखते देखते आपका हंसते हंसते हाल बेहाल हो जाएगा। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी का जबरदस्त कॉमिक अवतार देखने को मिलेगा। विद्या पति को ठरकुल्ला बता देती है, इस शब्द का मतलब भी वो अपने ससुर और बाकी घर वालों को बताती है। इस मामले की तहकीकात करने आए हैं अफसर बने विजय राज। इस ट्रेलर में सबसे बड़ा सरप्राइज मलिका शेरावत है, जिसे देखते ही कानून अपने हाथ डाल चुका है। ट्रेलर में और भी बढ़िया कलाकार हैं और मोमेंट है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। साथ ही नाना नाना नारे गाने का बैकग्राउंड आपको नाचने पर मजबूर करेगा। मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म 97% पारिवारिक है। इसमें राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी के साथ विजय राज और मलिका शेरावत तो हैं ही, इसके अलावा अर्चना पूरन सिंह, मस्त अली, राकेश बेदी, टीकू तल्तानिया, मुकेश तिवारी, अर्चना पटेल और अश्वनी कलशेखर जैसे सितारे भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। राजकुमार राव इन दिनों अपनी सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 की सफलता को लेकर सुर्खियों में हैं। राजकुमार की फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का खिताब अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में स्त्री 2 की शानदार सक्सेस के बाद राजकुमार राव एक और धमाकेदार फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में वो तृप्ति डिमरी के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर नए नए अपडेट सामने आते रहे हैं। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर राज संडेलिया ने मलिका शेरावत को कास्ट करने के बारे में जानकारी शेयर की। डायरेक्टर ने कहा, जब उन्होंने मलिका को फोन किया तो एक्ट्रेस ने सोचा कि वो उन्हें एक डांस नंबर कहने के लिए बोल रहे हैं। राज ने कहा कि मलिका को फिल्म में अपने रोल को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी। एक्ट्रेस को लगा कि उन्हें फिल्म में डांस नंबर का ऑफर किया जा रहा है। राज ने खुलासा किया कि जब मलिका शेरावत को राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी स्टारर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने अपने रोल को गलत समझ लिया था। उन्होंने कहा, जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्हें लगा मैं डांस करने के लिए बुला रहा हूं। उन्होंने पूछा, क्या है, कौन सा सॉन्ग है? मैंने बोला, गाना नहीं है, एक रोल है। मलिका शेरावत को कास्ट करने के बाद डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें लेना आसान था क्योंकि वो एक नए और एंटरटेनिंग रोल की तलाश में थी। ऐसे में उन्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पूछने पर मलिका ने खुश होकर जवाब दिया कि ठीक है, बढ़िया किरदार है, चलो इसे करते हैं। उन्होंने कहा कि वो कुछ बस दिलचस्प तलाश कर रही थी जो उनके जुनून को जगा सके। फिल्म में मलिका शेरावत की वापसी को देखकर उनके प्रशंसक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेलर में मलिका शेरावत की एक्टिंग को देखकर दर्शकों की फिल्म देखने की उत्साह बढ़ गई है। ट्रेलर पर ही दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अपकमिंग फिल्म को पैसा वसूल फिल्म बता दिया है। फिल्म में मलिका शेरावत और विजय राज अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोनों की जोड़ी को फिल्म के ट्रेलर में काफी पसंद किया गया। ऐसे में अंदाजा लगाना ठीक नहीं है कि फिल्म में भी दोनों की जोड़ी को पसंद किया जाएगा। आपको बता दें कि मलिका शेरावत फिल्म में काफी समय बाद नजर आएंगी, इससे दर्शकों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। हाल ही में फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया था। टी सीरीज ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर 3:32 का ट्रेलर जारी किया था। फिल्म में राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, मलिका शेरावत, अर्चना पूरन सिंह, अर्चना पटेल, रमेश बेदी, मुकेश तिवारी, टीटू तलसानिया, मुनीब सौदागर और जसवंत सिंह हैं। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। ट्रेलर के मुताबिक फिल्म में विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी अपनी सुहागरात का वीडियो बनाते हैं। हालांकि उसमें सुहागरात के वीडियो की सीडी प्लेयर समेत चोरी हो जाती है। इसे ढूंढने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। इसके बाद फिल्म में धमाका शुरू होता है। ऐसे में ये सीडी कैसे मिलती है, आगे क्या होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। मलिका को आखिरी बार RK में देखा गया था जो 2022 में रिलीज हुई थी। इससे पहले उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया था। इसके अलावा उन्होंने हिस, टाइम रेडार, मैडम, वेलकम, डर्टी पॉलिटिक्स जैसी फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री मलिका शेरावत ने थोड़े समय के लिए देश छोड़ देने को लेकर खुलासा किया। बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में मलिका ने कहा कि
वो ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि मीडिया के एक हिस्से ने उन्हें चरित्रहीन महिला के तौर पर पेश किया। उन्हें चरित्रहीन बताने वाले में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। उन्होंने बताया, लोग जब जज करते हैं कहते हैं कि उसमें कोई शर्म और नैतिकता नहीं है, वो गिरी हुई औरत है, देखो किस तरह से सीन करती है, बिकनी पहनती है, स्क्रीन पर किस करती है। मल्लिका ने आगे बताया कि जो कुछ उन्होंने सहा वो बस एक अनुभव है और वो बस इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि अब समाज काफी आगे बढ़ गया है, न्यूड सीन को लेकर लोग काफी टॉलरेंट हुए हैं। आजकल ऐसे सीन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मीडिया के एक हिस्से की तरह उसे पेश किए जाने के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, मीडिया के ज्यादातर हिस्से ने मेरा उत्पीड़न किया। इस हिस्से में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी, इसलिए मैं बहुत परेशान हुई। पुरुष को मुझसे कभी भी दिक्कत नहीं रही। उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ की। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये महिलाएं मेरे खिलाफ क्यों हैं? मुझसे इस बात पर बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? इस वजह से मुझे थोड़े समय के लिए देश छोड़ना पड़ा। मुझे एक ब्रेक चाहिए था। आज मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए मुझे अच्छा भी लग रहा है। मीडिया के एक हिस्से ने मल्लिका को उनके काम के लिए प्रताड़ित किया, उन्हें जज किया। वो इतनी परेशान हो गई कि उन्हें देश तक छोड़ना पड़ा। गलती स्वीकारने के लिए कोई सही गलत का वक्त नहीं होता, लेकिन अब जब मल्लिका खुलकर अपने साथ हुए व्यवहार पर बात कर रही हैं, तो माफी मांगे ना मांगे, पर ये जरूर है कि मीडिया के उस हिस्से को अपनी गलती का एहसास होगा। और मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव हर व्यक्ति किसी भी एक्टर या स्टार को इस आधार पर जज करने से बचे कि उन्होंने कैसा रोल फिल्म में निभाया। इंटरव्यू में और क्या बताया मल्लिका ने? इस इंटरव्यू में मल्लिका ने कुछ और खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि उनके पिता उन्हें एक्ट्रेस नहीं बनाना चाहते थे, ऐसे में उन्होंने अपने पिता का सरनेम ठुकराकर अपनी माँ का सरनेम अपनाया। उनका अपने पिता से भी कई बार झगड़ा हुआ। पिता के विरोध के बाद भी वो अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई गई। इस बारे में बॉलीवुड बबल को मल्लिका ने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पिता की मर्जी के खिलाफ मुंबई जाना उनका ये पेट्रियाटिक के खिलाफ पहला विरोध था। उनके पिता कहते थे कि वो फिल्मों में जाकर परिवार का नाम डुबा देंगी। एक बार तो उनके पिता ने यहाँ तक कह दिया कि वो मल्लिका को अपनी बेटी नहीं मानते। इसके बाद ही मल्लिका ने अपने पिता का सरनेम अपने नाम के पीछे ना लगाने का फैसला किया। मल्लिका आखिरी बार RKRKAY नाम की फिल्म में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने नकाब नाम के शो के लिए तैयारी की। इस शो में अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भी उनके साथ काम किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है और इसका नतीजा ये है कि राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म में वो उनके साथ काम कर रही हैं। मल्लिका अपनी फिटनेस के लिए भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनकी खूबसूरती देखकर साफ अंदाजा लगाया जाता है कि उनके लिए उम्र महज एक नंबर है। हाल ही में मल्लिका शेरावत ने अपनी फिटनेस का राज खोला है। उन्होंने फिट रहने और ग्लोइंग स्किन के लिए अपनी फेवरेट ड्रिंक का खुलासा किया है। मल्लिका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक हेल्दी ग्रीन जूस पीती नजर आ रही हैं। ये जूस हरी पत्तीदार सब्जियों, खीरे, हरे सेब और नींबू से बना है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ग्रीन जूस मेरा फेवरेट ड्रिंक है। बता दें कि मल्लिका पेरिस से छुट्टियां मनाने के बाद कैलिफोर्निया लौटी थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि घर आकर उन्हें कैसा लग रहा था। मल्लिका ने अपनी पॉपुलर ड्रिंक के साथ खेलते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, घर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। लॉस एंजलिस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिल्म मर्डर में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म के पर्दे पर ही नहीं बल्कि दर्शकों के दिल में भी आग लगा दी थी। हालांकि बाद में इमरान ने मल्लिका के साथ और काम नहीं किया। दोनों के बीच उस वक्त कोई बड़ा झगड़ा भी हुआ था। इसके बाद दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की। पर कुछ महीनों पहले जब एक इवेंट में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत ने पेपराजी को साथ में एक पोज दिया तो फैंस क्रेजी हो गए और साथ काम करने की डिमांड करने लगे। अब इमरान हाशमी ने मल्लिका शेरावत संग झगड़े पर बात की है और कहा कि दोनों मूर्ख थे। इमरान हाशमी के मुताबिक कुछ बातें उन्होंने बोली थी तो कुछ बातें मल्लिका शेरावत ने, लेकिन अब ये सब बीते वक्त की बातें हो चुकी हैं। एक्टर ने मल्लिका शेरावत के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जताई। मीडिया को दिए इंटरव्यू में इमरान हाशमी उस वक्त वायरल पल के बारे में भी बात की जब दोनों 20 साल बाद मिले और हर तरफ छा गए। इमरान हाशमी ने कहा,
उस समय हम यंग थे और बेवकूफ थे। आप जिंदगी में एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब आपकी फैसले लेने की शक्ति इतनी सीमित हो जाती है कि आप आवेश में आ जाते हैं और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कुछ ओजी बात उन्होंने कही और कुछ मैंने, लेकिन सब बीते वक्त की बातें हैं। इमरान हाशमी जब कुछ समय पहले मलिका शरावत से मिले तो उन्होंने सारे गिले शिकवे भुला दिए और साथ में पेपराजी को पोज भी दिए। उस बारे में इमरान ने कहा कि जो कुछ अतीत में हुआ वो सब भुला दिया। मलिका को इतने लंबे समय बाद देखकर और मिलकर अच्छा लगा। वो एक को स्टार है और काश मैं उसके साथ दोबारा काम कर पाता। झगड़ा हुआ क्यों था मलिका और इमरान के बीच तो ये भी जान ही लेते हैं। तो बात कुछ ऐसी थी कि मर्डर फिल्म आने के कुछ महीने बाद इमरान हाशमी और महेश भट्ट करण जौहर के टॉप शो कॉफी विद करण में पहुंचे थे। उस दौरान इमरान से सवाल हुआ था कि उनकी को स्टार में सबसे खराब किसर कौन है। इस सवाल में जवाब में इमरान हाशमी ने मलिका शरावत का नाम लिया था। इतना ही नहीं, इमरान से पूछा गया था कि उन्हें मलिका के बेड पर क्या मिलेगा, बॉलीवुड की सक्सेस होने की बेवकूफ गाइड। इसके बाद इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में रहा। वहीं मलिका शरावत भी उनको जवाब देने से पीछे नहीं हटी और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इमरान हाशमी को किस करने से अच्छा है मैं किसी सांप को किस कर लूं। मामला यहीं तक नहीं रुका। इमरान हाशमी ने मलिका को सबके सामने खराब एक्ट्रेस तक भी कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे उसका चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद भी दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और मामला यहां तक पहुंच गया कि दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली। हालांकि बाद में मलिका ने इस लड़ाई को बचपना बताया था। कॉफी विद करण का चौथा सीजन 9वां एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा था। काउच पर करण जौहर के सामने इमरान हाशमी और महेश भट्ट बैठे थे। इस सेगमेंट में करण जौहर रैपिड फायर राउंड रखते हैं। यहाँ दनादन सवाल दागे जाते हैं, झट से उसके जवाब दो और गिफ्ट हैम्पर जीत कर घर ले जाओ। इमरान इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके दिए गए जवाब उन्हें कई सालों तक सताते रहेंगे। खैर, इमरान से पूछा गया कि उनकी सबसे खराब किस किसके साथ थी। इमरान ने मलिका शरावत का नाम लिया। कुछ और सवाल हुए जिसके बाद इमरान के जवाबों की रेल फिर से मलिका की तरफ मुड़ी। करण ने पूछा कि फलाने फलाने लोगों के बेडरूम में आपको क्या मिला। मलिका शरावत का नाम भी आया। इमरान ने बिना सांस खींचे कहा, अ इडियट्स हैंडबुक टू सक्सेस इन बॉलीवुड। ये बात मलिका पर तंज स्वरूप कही गई। साल 2005 में द मिथ नाम की एक इंटरनेशनल फिल्म रिलीज हुई। लीड रोल में जैकी चैन थे। फिल्म में मलिका का छोटा सा रोल था। हालांकि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। मलिका ने पूरा जोर लगाकर फिल्म को मीडिया में प्रमोट किया। फिल्म आने से पहले जनता ये मान चुकी थी कि फिल्म में मलिका का अच्छा खासा रोल है। मलिका की तमाम कोशिश अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाई। द मिथ के लिए उन्हें याद नहीं रखा गया, ठीक उसी तरह जैसे मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में अनिल कपूर से ज्यादा लोगों को बुर्ज खलीफा याद रहता है। खैर, मलिका हॉलीवुड की नई देसी गर्ल बनने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती थी। यही सोचकर उन्होंने डेविड लिंच की बेटी जेनिफर की फिल्म हिश साइन की। यहाँ उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन का रोल प्ले किया। प्रमोशन के लिए नाग को डेट पर लेके गई, मगर हिश ने उनके करियर को ही डस लिया। फिल्म के एक सीन में मलिका सांप को किस करती है। इस बात का इमरान हाशमी वाले एपिसोड से कनेक्शन है। जब मीडिया ने मलिका को बताया कि इमरान ने उन्हें सबसे खराब किसर कहा है, इस पर पलट कर मलिका का कहना था कि इमरान से बेहतर किस तो वो हिश वाले सांप के साथ था। मीडिया के लिए ये झगड़ा तमाशा बन चुका था। खबरें छपने लगी कि इमरान और मलिका बेस्ट किसर के टैक्स के लिए लड़ रहे हैं। आखिरकार इमरान ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वो मलाइका से नफरत नहीं करते, बस मर्डर के बाद से वो दोनों लोग संपर्क नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके बीच कोई जंग चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि मर्डर वाले दिनों में इमरान और मलाइका के बीच सब चंगा था। सेट से उनकी आपसी मतभेद की खबरें आती रहती थी। मलाइका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मर्डर्स के प्रोडक्शन के दौरान दोनों में खटपट होने लगी। उन्होंने उस पूरे मामले को अपना बचपना कहा और बताया कि वो इमरान के साथ टच में नहीं है। मर्डर वो फिल्म थी जिसमें टाइम पास के लिए एक्टिंग करने वाले इमरान हाशमी को एक्टर बना दिया। अंग्रेजी मीडिया ने उन पर सीरियल किसर का लेवल चिपका दिया। छोटे शहर के लड़के हंसी मजाक में उन्हें चुम्बन देवता कहने लगे। इसी फिल्म ने मलाइका को उसकी पहली हिट दी। मर्डर मूवी के कुछ मजेदार किस्से हैं। अरे ये भी जान लीजिए, मर्डर से पहले कुणाल गांजा वाला हॉट प्रॉपर्टी बने हुए थे। साथिया का गाना ओ हमदम सोनियो रे ताजा था।
हिट हो रहा था। लड़कों के दिमाग में बाइक पर जुल्फे लहराते विवेक ओबेरॉय थे। उस वक्त कूल शब्द आम भाषा में नहीं आया था, मगर ये गाना कूल बन चुका था। कुणाल देखना चाहते थे कि आगे कितना एक्साइटिंग काम मिलेगा। ऐसे में उन्हें महेश भट्ट की फिल्म का गाना ऑफर किया गया। गाने का नाम था भीगे होठ तेरे। कुणाल ने उसके बोल सुने और वो घबरा गए। लगा कि अभी तो करियर बनने लगा था, ये गाना गा दिया तो पैकअप हो जाएगा। कुणाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डरे हुए थे, लेकिन फिर भी गाना रिकॉर्ड करने पहुंच गए। कुणाल के साथ अनु मलिक के वोकल्स रिकॉर्ड किए गए। तय हुआ कि एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड किया जाएगा। अनु मलिक और कुणाल स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी वहां महेश भट्ट पहुंचे और शांति से गाना सुनते रहे, कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद टी ब्रेक हुआ। गर्म चाय के साथ मुकेश ने गर्म जोशी से ऐलान किया, अ लीजेंड इज बॉर्न, कॉन्ग्रेचुलेशन। महेश भट्ट की भविष्यवाणी सही साबित हुई। रिकॉर्ड के बाद मर्डर की ऑडियो सीडी खूब खरीदी गई। भीगे होठ लोगों तक पहुंच चुका था। इस गाने की बदौलत कुणाल गांजावाला ने बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार मल्लिका शेरावत ने बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म से दर्शकों के मन में अपनी बोल्ड छवि बना ली थी। मल्लिका ने अपने लुक्स के लिए तो सुर्खियां बटोरी ही, इसके साथ ही वो अपने बेबाक बोल के लिए पहचानी जा रही थी। बॉलीवुड में अपनी मेहनत के दम पर मुकाम बनाने वाली मल्लिका 24 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। तो चलिए अभिनेत्री के जन्मदिन से जुड़ी कुछ खास बातें जो एक बार फिर अब सुर्खियां बटोर रही हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी से। मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हुआ था। बॉलीवुड की ये बोल्ड एक्ट्रेस हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखती है। कम ही लोगों को पता होगा कि मल्लिका शेरावत का असली नाम रामी लांभा है। बॉलीवुड में आने से पहले ही मल्लिका शेरावत की शादी हो चुकी थी। हालांकि उनका रिश्ता नहीं टिका और वो अपने पति से अलग हो गई। मल्लिका ने अपने करियर की शुरुआत करीना कपूर तुषार कपूर स्टारर फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से की थी। इस फिल्म में वो लीड रोल में थी। इसके बाद साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म ख्वाहिश में मल्लिका ने काम किया और इस फिल्म में उनका किसिंग सीन काफी चर्चा में रहा। मल्लिका शेरावत ने बतौर लीड एक्ट्रेस मर्डर से अपनी शुरुआत की थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में मल्लिका शेरावत ने बोल्ड सीन से सनसनी मचा दी थी। फिल्म में मल्लिका के अपोजिट अभिनेता इमरान हाशमी नजर आए थे। मर्डर की रिलीज से पहले एक इंटरव्यू में एक्टर कहते थे कि फिल्म देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, फिल्म सिर्फ उतनी नहीं जितनी प्रोमो में दिख रही है। मर्डर आई और सेक्स सेक्स वाली बातों को सही साबित कर दिया, बड़ी हिट बनी। आलम ऐसा कि 20 साल बाद सिनेमा इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी मर्डर के बोल्ड सीन को उसी एक्साइटमेंट से देखा जाता है। वो बात अलग है कि एक्ट्रेस के लिए फिल्म के सिटी में सीन शूट करना अजेल प्रोसेस था। इमरान से एक पुराने इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको सेट पे से कोई फनी चीज याद है। उन्होंने कहा, जो स्टीम सीन शूट हुआ मेरे हाथ में ऐसा नहीं था कि उसके बार बार रीटेक करवाओ, हम बस किसी भी तरह उसे खत्म करना चाहते थे। ऐसा होता था कि बैकग्राउंड में से कोई गुजर जाता तो बार बार रीटेक करना पड़ता। एक बार गलत फिल्म आ गई थी तो 2-3 दिन तक हमें रीटेक करने पड़े। मलाइका बहुत नाराज थी, मतलब नाराज नहीं थी, सिर्फ इसी सीन्स के लिए काफी रीटेक हुआ। साल 2003 में जॉन अब्राहम की फिल्म साया आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। हालांकि फिल्म के गाने अब तक उसी चाव से सुने जाते हैं। आप न्यूज रूम में हमारे साथी नील को अपने हेडफोन पर साया के गाने लगाकर काम करता पाएंगे। खैर, साया को महेश भट्ट के बैनर विशेष फिल्म्स ने बनाया था। अनुराग बासु फिल्म के डायरेक्टर थे। साया से पहले आई कुछ फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी। साया की नाकामयाबी के बाद महेश भट्ट एंड कंपनीज में हताशा के बादल छाए हुए थे। अनुराग गुस्से में थे, मन से साया बनाई और इतना बुरा हाल हुआ। इसी गुस्से को उबालकर उन्होंने एक नई कहानी रची। महेश भट्ट को उसकी कहानी का बेसिक हिस्सा सुनाया, उन्हें कहानी इंटरेस्टिंग लगी। इस कहानी को आगे मर्डर की शक्ल दी गई। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इसी से मिलती जुलती कहानी 2002 में आई हॉलीवुड फिल्म अनफेथफुल की भी थी। कहा जाने लगा कि मर्डर ने अपनी कहानी वहां से उठाई है। महेश भट्ट ऐसे आरोपों पर झल्ला उठे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, लोग कहते हैं कि मर्डर अनफेथफुल है, तो मैं कहता हूं कि आप बड़े मूर्ख हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं। महेश भट्ट ने कह दिया, दोनों कहानियों की परिस्थिति मेल खाती है, उससे ज्यादा कोई समानता नहीं है। मर्डर की अधिकांश शूटिंग बैंकॉक में हुई।
फिल्म में एक इंटीमेट सीन शूट होना था। मल्लिका को इसके बारे में बताया गया, तब उन्होंने हामी भर दी। हालांकि अगले दिन जब टीम सेट पर पहुंची तो मल्लिका ने अपने हाथ खींच लिए, वो सकपका गई। दरअसल ये एक नूड शॉट था। मल्लिका को भले ही पहले बता दिया गया था लेकिन वो एंड मौके पर सकपका गई। हर गुजरते पल में प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ता जा रहा था, सेट को जाया नहीं होने दे सकते थे। ऐसे में तुरंत एक बॉडी डबल को ढूंढा गया, फिर उस लड़की ने वो सीन शूट किया। इस पूरे मामले पर अनुराग बासु उस लोकेशन को दोष देते रहे। उन्होंने साल 2004 में प्रमोशन के दौरान बताया कि बैंकॉक के होटल में स्विमिंग पूल देखकर उन्हें एक शॉट का आइडिया सूझा। शॉट में मल्लिका को पूल में उतरना था। महेश भट्ट कहते हैं कि मल्लिका के मना करने के बाद वो उन पर भड़क पड़े। उन्होंने कहा कि अपने छोटे शहर वाली मानसिकता की वजह से मल्लिका घबरा गई। मल्लिका ने भी अपने बचाव के लिए अपने रोहतक की परवरिश का हवाला दिया। उन्होंने कहा वो सीन स्क्रिप्ट के लिए जरूर था लेकिन भारतीय समाज और अपने परवरिश को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे ना करने का फैसला लिया। ओंकारा में शेफ ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। उनकी परिभाषा से इत्र मर्डर के कॉन्टेक्स्ट में भी दो तरह के लोग होते हैं, पहले जिन्होंने भीगे होठ का वीडियो देखा और दूसरे जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन पता सभी को है। इमरान हाशमी कहते हैं कि गाने के लिए अनुराग बासु ने उनसे और मल्लिका से अजीब अजीब जगहों पर किस करवाया। एक बार वो 7 मंजिला बिल्डिंग की छत पर थे। इमरान बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद सेट की भारी भरकम लाइट ऑन हो गई। लाइट की जगमगाहट से स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। उधर इमरान और मलाइका छत पर रोमांस कर रहे थे और दूसरी ओर भीड़ टकटकी लगाकर सिर्फ उनको ही देख रही थी। मर्डर के इतने सालों बाद इमरान उसे अलग ढंग से याद करते हैं। उन्हें फिल्म में अपनी एक्टिंग क्रिंज लगी थी और वो कहते हैं कि मैं कितनी बार अटक अटकाकर अपनी लाइन बोल रहा था। इमरान को अपने काम से कितनी भी शिकायत हो लेकिन मर्डर ही वो फिल्म थी जिसने इमरान को अपना ब्रांड बनाने का मौका दिया। आगे वो जिस तरह के एक्टर बनके उभरे वो सभी के सामने है। अनुराग ने बर्फी और जग्गा जासूस जैसी फिल्मों से अपना स्टाइल स्थापित किया। मल्लिका शरावत को समय से मलाल रहा। उनका कहना है कि जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वैसे वो उस जमाने में कर चुकी है, बस तब उन्हें स्टीरियोटाइप करके छोड़ दिया गया था। मल्लिका शरावत भले ही अब बड़े पर्दे पर नजर नहीं आती हो लेकिन उनके फैंस अब एक बार फिर से उन्हें बड़े पर्दे पर वापसी करते देखना चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है उनकी अपकमिंग मूवी से। जैकी चैन ने अपनी कुंफू स्किल और आर्नोल्ड ने अपनी मसल दिखाई। हर एक्टर खुद को स्थापित करने के लिए अपनी यूएसपी का इस्तेमाल करता है। अगर मेरी यूएसपी सेक्स अपील है तो इसमें गलत क्या है, ये कहकर उस लड़की ने जिसने अपनी पहली फिल्म में 17 किसेस देकर देश भर में तहलका मचा दिया था। मगर दिलचस्प बात ये है कि अपने इन किसिंग सीन्स को लेकर वो अपोलोजेटिक नहीं रही। जिसने भी उनके इस रवैये पर सवाल उठाया उसे वही जवाब मिला जो हमने आपको उनकी कई बातें अभी बताई। बात तो पते की थी मगर हीरो के इशारे पर नाचने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई बात थी। इंडस्ट्री समझ नहीं पा रही थी कि इस लड़की से उन्हें डील कैसे करना है। जब तक लोग ये समझ पाते उस लड़की की दूसरी फिल्म रिलीज हो चुकी थी। इस फिल्म का नाम था मर्डर। भले ही होठ दिखाकर उस लड़की ने बॉक्स ऑफिस का सुख खत्म किया, इतना कुछ सुनने के बाद अपने लिए ये गेस करना मुश्किल नहीं होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम रीमा लांबा उर्फ मल्लिका शेरावत की बात कर रहे हैं। मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। पिता मुकेश कुमार लांबा इंजीनियर थे और माँ संतोष होममेकर। अपने इंटरव्यू में मल्लिका बताती हैं कि उनका परिवार काफी कंजर्वेटिव था। मल्लिका ने बताया कि उनके परिवार की महिलाओं को मवेशियों की तरह रखा जाता था और ट्रीट किया जाता था। उनके घर पैसा था मगर आजादी नहीं थी। महिलाओं को घूंघट करके रहना पड़ता था, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी। खैर, मल्लिका की शुरुआती पढ़ाई लिखाई रोहतक के एक स्कूल में हुई। जब वो 8वीं में पहुंची तब उनके पापा दिल्ली शिफ्ट हो गए। मल्लिका की बची हुई स्कूलिंग पढ़ाई डीपीएस मथुरा रोड में पूरी हुई। वो जब 10वीं में पढ़ रही थी तब उन्हें सजने संवरने का शौक लगा। एक दिन मल्लिका लिपस्टिक लगाकर खुद को आईने में निहार रही थी। ये चीज उसकी माँ ने देख ली और खूब पिटाई की। गनीमत थी कि ये बात उनके पिता तक नहीं पहुंची। पिता ने लड़कों से दूर रहने के लिए उनका दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज मंडी हाउस में करवा दिया। मल्लिका फिलोसफी से ग्रेजुएशन कर चुकी थी। इन दिनों मल्लिका ने परिवार से चोरी छिपे मॉडलिंग करना शुरू कर दी। मगर बचपन से ही उनका सपना फिल्मों में जाने का था। जब घर वालों को ये बात बताई तो हंगामा मच गया। पहले तो पापा को ये लगा कि मल्लिका मजाक कर रही है, मगर जब बात सीरियस हुई तो बहुत सीरियस हो गई।
पापा ने सारे संबंध तोड़ लिए, डिसोन कर दिया, मगर मलिका का फैसला फाइनल था। उन्हें मुंबई जाना था। जब वो 18 की हुई थी तभी उनकी नानी ने उन्हें कुछ जेवर दिए थे, वही बेचकर मलिका ने अपना मुंबई का सफर शुरू करा। मलिका ने दिल्ली से मुंबई आने का फैसला तो ले लिया था, मगर बिना किसी प्लानिंग के। मुंबई में ना उनको कोई जानता था, ना वो किसी को जानती थी। नानी के दिए हुए गहने बेचकर कुछ दिनों तक गुजारा हुआ। जुहू में एक छोटा सा घर मिला जिसमें मलिका जैसे तैसे अपना काम चला रही थी। तब उन्हें ऑडिशन के लिए बस लेकर जाना पड़ता था। मेकअप खराब ना हो जाए इसमें उनके 50 रुपए लग जाते थे। खर्चा कम करने के लिए मलिका ने बस छोड़कर लोकल से जाना शुरू कर दिया। बिना फैमिली सपोर्ट के मुंबई जैसे क्रूर शहर में रहना और काम ढूंढना मलिका को बहुत भारी पड़ रहा था। वो रोज ऑडिशन देने जाती, रिजेक्ट होकर घर आती और खूब रोती। मगर बीते दिनों के साथ थोड़ा ही सही मगर काम मिलने लगा। जब मलिका को उनकी पहली फिल्म मिली तब उनका इरादा अपना नाम बदलने का बिल्कुल नहीं था। मगर उन दिनों बॉलीवुड में रीमा राइमा नाम की कई एक्ट्रेस काम कर रही थी। ऐसे में मलाइका को उनकी पहली फिल्म के डायरेक्टर गोविंद मेनन को लगा कि रीमा नाम सुनकर लोग दूसरी हीरोइन के नाम के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए तय हुआ कि रीमा का नाम बदल कर मल्लिका कर दिया जाए। ये नाम नई नई हीरोइन बनने जा रही रीमा को भी बहुत पसंद आया, मगर दिक्कत ये थी कि वो अपने पापा का सरनेम इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पापा ने मना किया था। इसलिए रीमा ने अपनी माँ का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लिया और बन गई मल्लिका शेरावत। राजकुमार राव की फिल्म आ रही है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। फिल्म में राजकुमार राव के साथ तृप्ति डिमरी, मलिका शरावत जैसी कास्ट साथ काम कर रही हैं। उसी का प्रमोशन चल रहा है। इस समय राजकुमार का एक इंटरव्यू आया। पिंक विला के साथ हुए इस इंटरव्यू में राजकुमार ने बताया कि उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया था जब उनके पास सिर्फ 18 रुपये थे और इस रकम के साथ उन्हें मुंबई जैसे शहर में गुजारा करना था। राजकुमार उन एक्टर्स में से बिल्कुल नहीं है जो हर दूसरी लाइन में अपने स्टारडम का किस्सा जोड़कर उसे बेवजह रोमांचक बनाएं और सिंपथी गेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनकी कही बात का असर होता है और मुंबई में स्ट्रगल करने वाला हर एक्टर उनसे रिलेट कर पाता है। राजकुमार हरियाणा की एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अपने बचपन की याद शेयर करते हुए वो बताते हैं, मैं बड़े साधारण परिवार से आता हूँ। मेरी लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास अपनी स्कूल की फीस देने के पैसे भी नहीं थे। 2 साल तक मेरी फीस टीचर ने भरी। जब मैं मुंबई आया तब मैं एक छोटे से मकान में रहता था। मैं अपने हिस्से का 7,000 रुपये किराया देता था जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। मुझे यहाँ रहने के लिए हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। तभी मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 18 रुपये बचे हैं और मेरे दोस्त के पास सिर्फ 23 रुपये। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था। मुंबई मौका देने से पहले सबको परखती है, ऊंच नीच सबको सिखाने के बाद अपना हिस्सा बनाती है। राजकुमार राव को भी मुंबई टेस्ट देना पड़ा, अपने हिसाब का स्ट्रगल उन्हें भी करना पड़ा। इन्हीं दिनों की बात करते हुए राजकुमार ने बताया कि मेरा एक दोस्त था विनोद, जो खुद भी एक्टर था। हम बाइक से ऑडिशन देने जाते थे। मुझे प्रेजेंटेशन का पा भी नहीं आता था, कैसे दिखना है, क्या पहनना है, इस चीज़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बाइक से ट्रैवल करने के बाद हम धूल मिट्टी में गंदे हो जाते थे। हम अपनी बाइक रोकते और गुलाब जल से एक दूसरे का चेहरा साफ करते थे। ये करके हमें लगता था कि हम काफ़ी सही लग रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं। राजकुमार ने बताया कि उन्हें पैसे की इतनी तंगी हो गई थी कि लोगों से पैसा उधार मांगना पड़ता था और जब उधार वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाता था तो वो अपने दोस्तों के घर जाकर उनके ही हिस्से का खाना खा लेते थे। राजकुमार राव की ये बातें मुंबई जाकर सपना देखने वाले उन लोगों के लिए एक लेसन है। मुंबई जाना मुश्किल नहीं है, अपना नाम बनाने के लिए वहाँ बने रहना मुश्किल है। राजकुमार राव की हाल ही में रिलीज स्त्री 2 की बात करें तो इस स्त्री 2 ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक ग्रेट सक्सेस अचीव की है। 15 अगस्त को बड़े पर्दे पर 3 हिंदी फिल्में रिलीज हुई, स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा। खेल खेल में और वेदा तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर स्त्री 2 ने तो बवाल काट दिया। सिर्फ 7 दिनों में इस पिक्चर ने दुनिया भर में 600 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। किसी भी फिल्म की इतनी सफल होने के बाद मेकर्स, एक्टर्स और क्रू मेंबर्स बेहद खुश होते हैं, लेकिन मेहनत रंग लाती है। मगर स्त्री 2 के बाद लोगों के बीच हलचल हो गई। कौन है ये लोग? श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की PR टीम जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है और खुद को बेहतर साबित करने में लगी हुई है। क्या है ये पूरा माजरा?
अरे यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता तो पिक्चर देखकर लहलोट हुई, लेकिन राजकुमार और श्रद्धा की पीआर टीम इस चीज को लेकर बीच रहा ठन गई कि आखिर किसकी वजह से जनता थिएटर तक पहुंची चली आ रही थी। दोनों स्टार्स की पीआर टीम के बीच का ये लफड़ा है, फिल्म रिलीज से पहले ही शुरू हो चुका था। जब से स्त्री 2 का ट्रेलर आया तब से ही राजकुमार और श्रद्धा कपूर के फैन पेजेस और कई पेपराजी पेज पर श्रद्धा को बिगेस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज्यादा भीड़ को खींचने वाली और मास एक्ट्रेस जैसे टाइटल से डिनोट किया जाने लगा। दावा किया गया कि श्रद्धा और उनके रोल की वजह से ही स्त्री 2 को देखने जा रहे हैं। श्रद्धा की तुलना रणबीर कपूर, शाहरुख खान और सलमान खान से की जाने लगी। कहा गया कि स्त्री 2 सिनेमा इतिहास की वो फिल्म है जो फीमेल लीड की वजह से इतनी ज्यादा चली। कई स्क्रीनशॉट्स भी मिले जिसमें ऐसा लिखा गया कि श्रद्धा कपूर ही बॉलीवुड को बचा सकती हैं। दूसरी ओर राजकुमार राव की टीम अपने काम में लगी पड़ी थी। उनके दो टारगेट थे, श्रद्धा कपूर से स्त्री 2 की सफलता का क्रेडिट छीनना और राजकुमार राव को सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल करना। फैन पेज और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया कि राजकुमार राव ने स्त्री 2 से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र तक को पीछे छोड़ दिया। कहा गया कि राजकुमार की कॉमिक टाइमिंग की वजह से ही लोग थिएटर में आ रहे हैं, उनकी वजह से ही फिल्मों को पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ मिला है जो कि फिल्म की कमाई में रिफ्लेक्ट करता है। पहली होड़ स्त्री 2 को अपनी फिल्म साबित करने की, मगर फिर चीजें बदल गई। राजकुमार की टीम ये साबित करने में जुट गई कि ये श्रद्धा कपूर की फिल्म नहीं है और श्रद्धा की टीम ये करने के लिए लग गई कि ये राजकुमार की फिल्म नहीं है। इस पूरे मामले को समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म एग्जीबिटर अक्षय ने पूरे क्रमांड को ही बकवास बता डाला। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अक्षय राठी ने बताया कि राजकुमार और श्रद्धा कपूर के टैलेंट पर शक नहीं कर रहा हूं मैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मगर एक अच्छा एक्टर होने और स्टार होने में फर्क है। जब जब ऐसी बकवास बातें होती हैं तो ये असंतुलन का माहौल बना देती हैं। ये उन एक्टर्स के लिए बहुत बुरा होता है जो अपने बलबूते पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर पाएं। बस यही हमारी फिल्में असफल हो जाती है। ये जरूरी है कि पीआर एजेंसीज इस तरह की चीजों को बंद करें। अक्षय राठी ने ये भी कहा कि इस तरह के झगड़े के बाद बॉक्स ऑफिस पर आने वाली फिल्मों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी एक्टर को स्टार की तरह पेश किया जाता है तो उससे उनकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके साथ बनाई जाने वाली अगली फिल्मों के बजट पर असर पड़ता है। मेकर्स उन फिल्मों से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करते हैं, मगर फिल्म रिलीज होने के बाद वो टिकट खिड़की पर धाराशाही हो जाती है। इसलिए कोई भी एक्टर एक फिल्म की सफलता के बाद स्टार नहीं माना जाता। जब उसकी फिल्में बराबर टिकट खिड़की पर सफल हो तब उसे स्टार का दर्जा दिया जाता है। अब इस फिल्म में तो यानी स्त्री 2 में तो राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग धांसू रही थी, लेकिन क्योंकि एक और मूवी अगले महीने रिलीज होने के लिए खड़ी है और वो भी कॉमेडी जॉनर वाली है, तो इस बार भी उनकी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी फैंस उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ये मूवी भी अलग लेवल सेट करे। ट्रैप्ड, शादी में जरूर आना, स्त्री, न्यूटन, सिटी लाइट, अलीगढ़ जैसी तमाम हिट फिल्में देने वाले बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उन्हें और उनकी फिल्में हर कोई पसंद करता है, चाहे वो लीड रोल में हो या फिर सपोर्टिंग रोल में। सभी में उन्होंने दर्शकों को जबरदस्त एंटरटेन किया है, कभी भी लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से नाराज नहीं किया। उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, सभी में बेहतरीन काम करते दिखाई देंगे। वैसे उन्होंने ये सब यूं ही नहीं हासिल किया, इसके लिए राजकुमार राव को काफी जूते घिसने पड़े। उनकी इस चकाचौंध वाली जिंदगी के पीछे ऐसे ऐसे दर्द भरे किस्से छिपे हैं जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता हो। हालांकि अब उन्होंने खुद अपनी इस दास्तां को बयां किया है। 2 साल पहले की बात है, हम दो, हमारे दो और बधाई दो में नजर आए राजकुमार राव इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 के लिए कोलकाता पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल के कई चौंकाने वाली बातें बताई जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे और आंखें निकल आएगी। एक्टर ने बताया कि उनका जन्म गुरुग्राम के एक जॉइंट फैमिली में हुआ था। उस वक्त वो छोटा शहर था, वहीं पले बड़े। एक्टर ने बताया कि उन्हें बचपन से ही सिनेमा में एक्टिंग करना पसंद था, वो उसी में करियर बनाना चाहते थे, इसलिए जब बड़े हुए तो उन्होंने दिल्ली का एक थिएटर ज्वाइन कर लिया। राजकुमार राव ने बताया कि वो रोज गुरुग्राम से दिल्ली के बीच का 70 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करते थे, लेकिन वो कभी थके नहीं क्योंकि वो जिस चीज से प्यार करते थे उसे पूरा करने में जुटे हुए थे। फिर वो पुणे आ गए, वहां उन्होंने FTII स्कूल ज्वाइन किया, यहां खूब मेहनत की, काफी कुछ सीखा,
क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो मुंबई आए तो उसके पहले जितना सीख सके सीख ले। राजकुमार राव ने बताया कि वो मुंबई आने पर उनकी शुरुआत काफी मुश्किल भरी रही है, आर्थिक तंगी रही। उस वक्त मेरे पास एक पार्ले जी का पैकेट हुआ करता था जो मेरा लंच था, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक्टर ने कहा कि उसके पास कोई प्लान बी नहीं था कि अगर वो एक्टर नहीं बन पाए तो क्या करेंगे। उनका कहना है कि अगर उन्हें 2 साल के बजाय 4-5 साल भी लग जाते तो भी वो यही काम करते रहते, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं करना था, वो एक्टिंग ही करना चाहते थे। अगर फिल्म में नहीं तो मैं थिएटर करता रहता, शॉर्ट फिल्म कर लेता या फिर अपना ही कुछ कर लेता, लेकिन करना तो यही था। राजकुमार जब मुंबई पहुंचे तब वो डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने लगे, जगह जगह ऑडिशन देने लगे। ऐसे में जब उन्होंने डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी का एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक एक्टर की तलाश है, तो एक्टर सीधे उनके दफ्तर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना हुनर दिखाया जिसे देखकर वो इम्प्रेस हुए और एक्टर को लव सेक्स और धोखा ऑफर कर दी। ऐसे इन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई। फिर तो उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर, काईपोचे, रागनी एमएमएस, शाहिद जैसी धमाकेदार फिल्में दी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजकुमार राव की गिनती बी टाउन के बेहतरीन एक्टर्स में की जाती है। एक्टर ने अपने हर किरदार से फैंस के दिलों में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। 31 अगस्त 1984 को गुड़गांव में जन्मे राजकुमार राव ने अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है। एक्टर ने साल 2014 में अपना सरनेम बदला था, राजू कुमार से राजकुमार कर लिया। उन्होंने अपने नाम में एक और एम जोड़ लिया। इसके बाद वो अपना नाम राजकुमार राव लिखने लगे। एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने दूसरे एम का इस्तेमाल अपने नाम में माँ के लिए किया। राव और यादव दोनों की सरनेम उनके पारिवारिक नाम है, दोनों में से वो किसी एक को प्रयोग कर सकते हैं। राजकुमार राव ने साल 2010 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रन छोटा सा रोल करके बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में एक्टर के अभिनय को काफी पसंद किया गया था। कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखकर ही एक्टर बनने का फैसला किया था। राजकुमार राव के लिए साल 2024 बहुत अच्छा रहा। अभी साल खत्म नहीं हुआ है और उनकी 3 फिल्में मिस्टर एंड मिसेस माही, श्रीकांत और स्त्री 2 रिलीज हो चुकी है। इतना ही नहीं, उनकी फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब उनकी अगली फिल्म रिलीज विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी है जो कि नेक्स्ट मंथ 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और कई फिल्मों के साथ क्लैश भी करने वाली है। ऐसे में राजकुमार राव लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपना नाम राजकुमार यादव से बदलकर राजकुमार राव क्यों किया। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में नाम और सरनेम बदलने की पुरानी परंपरा है। कई दिग्गज अभिनेताओं ने अपने नाम बदले हैं, कईयों ने ज्योतिषी के कहने पर तो कईयों ने धर्म परिवर्तन की वजह से अपना नाम बदले हैं। हालांकि राजकुमार राव ने अपना असली नाम नहीं बदला, लेकिन सरनेम जरूर बदला है। आपको बता दें कि राजकुमार राव का असली सरनेम राव नहीं है, उनका असली सरनेम यादव है। इस हिसाब से तो उनका नाम राजकुमार राव नहीं बल्कि राजकुमार यादव होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राव रखने के पीछे की कहानी बताई। राजकुमार ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें किस कारण अपना सरनेम बदलना पड़ा। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में बहुत सारे राजकुमार हैं जिसके कारण कंफ्यूजन हो रहा था, यही वजह है कि उन्होंने अपना सरनेम बदल दिया। राजकुमार का कहना है कि अपनी शुरुआती फिल्मों में मैंने कभी अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मेरे नाम की वजह से बहुत कंफ्यूजन होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे राजकुमार हैं, राजकुमार संतोषी, राजकुमार गुप्ता, राजकुमार हिरानी। उन्होंने कहा कि यहां तक कि मेरे पास कॉल्स भी आते थे और लोग मुझसे निवेदन करते थे कि मैं उनके साथ असिस्ट करूं। मैंने सोचा था मैं एक्टर हूं, ये मुझे असिस्ट क्यों करना चाहते हैं। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे और 3 डायरेक्टर्स के नाम एक जैसे होने के कारण लोगों को कंफ्यूजन होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से मेरा सरनेम यादव है, लेकिन फिर मुझे लगा राजकुमार राव हरियाणा में यादवों को दिया जाने वाला टाइटल है, यही कारण है कि मुझे राजकुमार राव कहलवाना पसंद आया। राजकुमार राव ही नहीं, बी टाउन्स में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपना नाम किसी किसी वजह से चेंज किया है, उस लिस्ट में भी बात कर ही लेते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स पर न्यूमरोलॉजी का गहरा प्रभाव है।
इसलिए उन्होंने फिल्म सफर की शुरुआत करने से पहले ही अपना असली नाम बदल लिया। अब पूरी दुनिया उन्हें उनके दूसरे नाम से जानती है, जिस नाम से आज वो पहचाने जाते हैं। इन सभी सितारों ने न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपने नाम बदले और देखते ही देखते इन सितारों की किस्मत ही चमक गई। वैसे तो बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद अपना नाम बदल लिया। अजय देवगन, सिंघम अभिनेता अजय देवगन की बात करें तो अजय न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते हैं। वो कुछ ज्यादा ही धार्मिक हैं। ये बात उनके शरीर पर बने महादेव के टैटू से साफ जाहिर होती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अजय ने न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपने नाम में बदलाव किया है। इस नाम से पहले अजय देवगन का नाम विशाल देवगन था। मीडिया पंडितों के कहने पर अजय देवगन ने अपना असली नाम विशाल देवगन को बदलकर अजय देवगन कर लिया। उनके नाम के बदलाव से जो असर उनके फिल्मी करियर पर हुआ है वो साफ दिखता है। नाम बदलने के बाद अजय ने इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। जॉन इब्राहिम, सितारों के बाद बॉलीवुड की लिस्ट में हंक अभिनेता जॉन इब्राहिम का नाम भी शामिल है। 1972 में जन्मे जॉन इब्राहिम का मूल नाम फरहान इब्राहिम है। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने से पहले जॉन ने अपने नाम में बदलाव किया, फरहान इब्राहिम से बदलकर जॉन इब्राहिम रख लिया। धर्मेंद्र, बॉलीवुड के हीमैन धर्म के बचपन का नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। एक्टर ने बॉलीवुड में एंट्री से पहले ही अपने नाम धर्मेंद्र के आगे या पीछे कोई भी सरनेम नहीं लगाया, वो सिर्फ धर्मेंद्र के नाम से ही पहचाने जाते हैं। वैसे लोग उन्हें प्यार से धर्म भी कहते हैं। दिलीप कुमार, बॉलीवुड में कई दशकों तक राज करने वाले स्टार कलाकार दिलीप कुमार भी न्यूमरोलॉजी पर खूब भरोसा करते थे। उनका असली नाम यूसुफ खान था, लेकिन मीडिया पंडितों के कहने पर दिलीप ने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिया। आज सब उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। नाम में बदलाव के बाद दिलीप कुमार ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। अमिताभ बच्चन, क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के माता पिता ने उनका नाम इंकलाब श्रीवास्तव रखने का फैसला किया था? उनके माता पिता ने अपने बेटे का नाम इंकलाब जिंदाबाद के नारे के आधार पर इंकलाब रखने का फैसला किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर उन्होंने उनका नाम अमिताभ रख दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋतिक रोशन का असली नाम ऋतिक रोशन नागरथ है। उनके दादा रोशन लाल नागरथ एक मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे। ऋतिक के पिता रोशन ने भी अपने पिता का नाम ही अपना सरनेम बना लिया था। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना का असली नाम निशांत खुराना है। जब वो 3 साल के थे तब उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया था। उनके पिता जो एक ज्योतिषी थे ने बाद में उनके नाम में एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए। अक्षय कुमार ने महेश भट्ट की फिल्म राजीव हरिओम भाटिया के रूप में अपना सिनेमाई करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने 10 सेकंड का रोल किया था। फिल्म में उन्होंने मार्शल आर्ट परीक्षक अक्षय का किरदार निभाया था। ये नाम उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला कर लिया। खैर, बैक टू राजकुमार राव। 3-2 के बाद अब राजकुमार राव विक्की विद्या का वो वाला वीडियो और भूल चूक माफ में नजर आएंगे। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में उनके साथ तृप्ति डिमरी, वहीं भूल चूक माफ में वामिका गब्बी होंगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री के बाद राजकुमार राव की सिनेमा घरों में रिलीज हुई 9 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। इन फिल्मों में 5 वेडिंग, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जजमेंटल है क्या, मेड इन चाइना, शिमला मिर्च, रूही, बधाई दो, हम दो हमारे दो और हाल ही में रिलीज हिंट द फर्स्ट केस शामिल है। इन सारी फिल्मों के साथ एक बात एक जैसी रही है और वो ये है कि इनकी कहानियां सिनेमा घरों में फिल्म देखने वाले दर्शकों को सीट पर नहीं बैठा सकी। ऐसा नहीं है कि उनको ध्यान में रखकर लेखक अच्छी कहानी नहीं लिख रहे थे, लेकिन उनकी एजेंसी के बीच में आ जाने के बाद राजकुमार तक अच्छी कहानियां पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन राजकुमार राव का असल बाउंस स्त्री के बाद 2024 में आया श्रीकांत, मिस्टर एंड मिसेस माही और उनकी 2024 की तीसरी फिल्म स्त्री 2। इसने तो आग ही लगा डाली, मतलब पूरा दबदबा बना लिया और राजकुमार राव को वो हिट मिल सकी जिसके वो लायक है। वैसे आपको मैं कुछ ऐसी फिल्मों के नाम बताऊंगा जो राजकुमार के करियर में बहुत बुरी साबित हुई और जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी तो उनकी मनोदशा क्या थी। राजकुमार राव की लगातार फ्लॉप फिल्मों में एक बात और एक जैसी है और वो ये है कि अब राजकुमार राव ने शाहिद,
क्वीन या सिटी लाइट की तरह अपनी फिल्मों की कहानियों में किरदार की तरह दिखना बंद कर दिया था। अब हर फिल्म में वो राजकुमार राव ही नजर आते थे। उनके किरदार अब दर्शकों को दरअसल चौंकाते नहीं थे। बातचीत में राजकुमार राव खुद मानते थे कि जब भी उनका मौका मिले कलाकार को कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ही कही इस बात का असर उनकी अपनी फिल्मों में दिखना कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था। हिंदी सिनेमा की एक बड़ी कमजोरी ये भी है कि ये कलाकार खुद को बड़ा हीरो तब तक नहीं मानते जब तक कि वो अपने दौर की दिग्गज हीरोइन के साथ काम ना कर ले। राजकुमार राव की ऐश्वर्या राय बच्चन का हीरो बनने की तमाम फिल्म फैन खामे पूरी तो हुई, लेकिन इस पिक्चर ने उनके करियर पर बड़ा ग्रहण लगा दिया। सोनम कपूर के हीरो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में बने, लेकिन फिल्म देखकर दर्शक को कैसा लगा ये सब जानते हैं। प्रियंका चोपड़ा के हीरो द व्हाइट टाइगर में बने और ओटीटी हीरो का ठप्पा अपने ऊपर लगवा बैठे। बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है राजकुमार राव को ये बात नहीं समझ आई। उनको लगा कि कमर्शियल हीरो बनने के लिए उनका बड़ी हीरोइन के साथ काम करना जरूरी है और यही उनसे सबसे बड़ी चूक हो गई। राजकुमार राव ने मुंबई के पास इलाके में एक करोड़ों का फ्लैट खरीदा था। वो अपनी रहीसी उस इलाके में बरसों से करना चाह रहे थे जहां हिंदी सिनेमा के खानदानी रईस कलाकार रहते हैं। उनका ये सपना पूरा भी हो गया। उनके करीबी बताते हैं कि राजकुमार राव की जो भी फिल्म बीते कुछ चार सालों में फ्लॉप हुई है, उनके लिए उनकी टैलेंट एजेंसी ने उन्हें किरदार भले ही दमदार ना दिया हो पर पैसा अच्छा दिया है। इस पैसे के लालच में ही राजकुमार राव के करियर को हताशा की तरफ धकेल दिया था। राजकुमार राव ने ऐश्वर्या राय के साथ फैन खान, कंगना रनौत के साथ जजमेंटल है क्या, प्रियंका चोपड़ा के साथ द व्हाइट टाइगर और सोनम कपूर के साथ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसी फिल्में की। राजकुमार राव की पहचान उन फिल्मों से बनी जिसमें उन्होंने अपना चोला छोड़कर किरदार का चोला पहना। लव सेक्स और धोखा, रागनी एमएमएस, काइपोचे, क्वीन, न्यूटन, बरेली की बर्फी और स्त्री जैसी फिल्मों से राजकुमार राव को खूब तरक्की मिली। इसमें से हर फिल्म हिंदी सिनेमा का एक नायाब नमूना है और वो इसलिए क्योंकि राजकुमार राव ने इसमें एक स्टार की तरह नहीं बल्कि एक एक्टर की तरह काम किया। हिंदी सिनेमों के नामचित निर्माता बताते हैं कि राजकुमार राव तक पहुंचना अब पहले जैसा आसान काम नहीं रहा। अब राजकुमार राव तक पहुंचने के लिए पहले टैलेंट एजेंसी को संतुष्ट करना पड़ता है। अच्छी से अच्छी कहानी भी इस टैलेंट एजेंसी तक आकर अटक जा रही है। राजकुमार राव को लेकर हिट फिल्में बनाने वाले स्वतंत्र निर्माता भी राजकुमार राव तक सीधे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस नई बाधा ने बतौर कलाकार राजकुमार राव का नुकसान ही ज्यादा किया है। राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट केस इसी नाम से कुछ साल पहले तेलुगु में बनी फिल्म का रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म देखकर ही राजकुमार ने इसकी हिंदी रीमेक के लिए हामी भरी, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में किए गए अहम बदलाव पर राजकुमार ने ध्यान ही नहीं दिया। ओरिजिनल फिल्म में पुलिस की बीबी वकील का कत्ल करती है जबकि हिंदी रीमेक में कत्ल होता ही नहीं। ये मौत एक हादसे से होती है और इसके बावजूद पुलिस ऑफिसर अपनी बीवी की मदद करने के लिए लाश छुपाने की कोशिश करता है। फिल्म में दिखाया गया रिश्ता भी लोगों को हजम नहीं हुआ क्योंकि गलती राजकुमार फिल्म बधाई दो में ही कर चुके थे। राजकुमार राव जब फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे तो लोग उन्हें हीरो मटेरियल नहीं मानते थे। तब राजकुमार अपने इंटरव्यू में कहा करते थे कि वो फिल्मों में स्टार बनने नहीं आए बल्कि उन्हें तो खुद को अच्छे कलाकार के रूप में स्थापित करना है। फिल्में उनकी हिट होना शुरू हो गई तो वो अपनी ही कही बातें भूल गए। तथ्य आधारित फिल्मों को हास्य कर राजकुमार राव मसाला फिल्मों की तरफ भागे, लेकिन उनके साथ वही होता दिख रहा था कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। खैर, अगर अभी रिसेंट की बात करें तो राजकुमार राव असल वाले राजकुमार बन गए हैं और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि वो अब बॉलीवुड में शासन भी कर रहे हैं। राजकुमार राव हाल ही में सुर्खियों में बने हुए थे। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसे देखकर जनता ने बातें शुरू कर दी कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। वायरल हो रही फोटो में राजकुमार की चिन पहले से ज्यादा लंबी नजर आई और उनके चेहरे की शेप भी बदली हुई सी लग रही थी। हालांकि राजकुमार ने प्लास्टिक सर्जरी जैसी किसी भी बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर उन्होंने भी देखी है और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके साथ प्रैंक किया गया है। राजकुमार ने ये भी कहा कि उन्हें ये फोटो एडिट की हुई लग रही थी, मगर इन सारी बातों के बीच उन्होंने इंटरव्यू में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पर बात की। राजकुमार राव ने फिल्म कंपेनियन के साथ दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अब पेपराजी हर जगह पहुंच जाते हैं और ऐसे में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी बाहर निकले तो अच्छे दिख रहे हों। राजकुमार राव से पूछा गया क्या मेल एक्टर्स पर भी अच्छा दिखने का प्रभाव फीमेल एक्टर जितना ही है,
तो उन्होंने कहा, बिल्कुल उतना ही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अलग है, शायद उतना बुरा नहीं क्योंकि वो आपकी चप्पलों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मेरे साथ ये हाल ही में हुआ, इसलिए मुझे पता चला एक गलत एंगल, एक गलत तस्वीर, एक गलत मोमेंट कैप्चर होता है और लोग बिना वजह इसकी बातें करने लगते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो सोचते हैं, यार वहाँ पैप्स हुए तो, मैंने मेकअप नहीं लगाया है, आज मेरे बाल खराब है, तस्वीर आएगी और फिर उन पर बुरे कमेंट होंगे, ये प्रेशर तो है और बहुत अजीब है। प्लास्टिक सर्जरी की बात से इनकार करते हुए राजकुमार ने कहा था कि उन्होंने कभी ये नहीं करवाया, हालांकि उनका मन था कि कई साल पहले वो अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस थे, तब उन्होंने फिलर्स लिए थे। उन्होंने कहा था, जब मैंने शुरुआत की थी लोग मेरे लुक्स पर कमेंट करते थे, तो काफी समय पहले, करीब 8-9 साल पहले मैंने फिलर्स जरूर लिए थे, ये मेरे अच्छा फील करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए था, ताकि मेरा चेहरा बैलेंस्ड लगे, ये मेरे स्किन डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। राजकुमार राव अब फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी में नजर आएंगे तृप्ति डिमरी के साथ। स्त्री श्रीकांत, मिस्टर एंड मिसेस माही जैसी बैक टू बैक देने के बाद वो अब बहुत खुश है इस खास मौके पर, और अब बारी है विक्की विद्या के वो वाले वीडियो की। खैर आइए स्त्री 2 के एक्टर की पहली कमाई, नेटवर्थ और महंगे घरों के बारे में बात करते हैं। राजकुमार राव के पास फिलहाल 81 करोड़ की नेटवर्थ है। उनकी आय का स्रोत फिल्में हैं। कथित तौर पर एक्टर हर फिल्म के लिए लगभग 5-6 करोड़ रुपए लेते हैं। हर बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 1-2 करोड़ रुपए लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन्हें स्त्री 2 के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए मिले। राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा पॉल के साथ एक अपार्टमेंट में रहते हैं जुहू के पास। इसे एक्टर ने खरीदा है जो पहले जानवी कपूर का था। इसकी कीमत 44 करोड़ रुपए है। राजकुमार राव कुछ महंगी गाड़ियों के भी मालिक हैं, जिसमें एक ऑडी Q7 कीमत 80 लाख रुपए, एक मर्सिडीज बेंज CALS 200 कीमत लगभग 37 करोड़ 96 लाख रुपए, और एक मर्सिडीज मेबैच GLS कीमत 1 करोड़ 19 लाख रुपए शामिल है। उनके पास 18 लाख रुपए की एक शानदार हार्ले डेविडसन फैट बॉब बाइक भी है। राजकुमार राव के स्टार्डम का अब तक का सफर आसान नहीं था। लगभग 1 साल तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्हें लव सेक्स और धोखा में पहला रोल मिला। हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पास फिल्म के लिए बस 11,000 रुपए मिले थे। आज अपनी पहचान तो बना ली इन्होंने, लेकिन आप जानते हो राजकुमार राव को उनकी पहली मूवी LSD यानी कि लव सेक्स और धोखा कैसे मिली। राजकुमार राव इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज स्त्री 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म देश और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। ये फिल्म रिलीज के 9 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जहां 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो वहीं ये वर्ल्ड वाइड फिल्म 600 करोड़ के अमाउंट के आसपास पहुंच चुकी है। इन सभी के बीच हाल ही में राजकुमार ने एक इंटरव्यू में अपने शुरुआती दिनों और संघर्ष के बारे में बात की। राज शामी के पॉडकास्ट पर राजकुमार राव ने बताया कि उन्हें दिवाकर बैनर्जी की क्राइम ड्रामा LSD कैसे मिली। उन्होंने कहा कि वो फिल्म का एड देखने के बाद डायरेक्टर के ऑफिस गए थे और उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोंगिया से मिलने के लिए कहा गया। अतुल का नंबर मिलने के बाद जब उन्होंने फोन किया तो उसने तस्वीर भेजने के लिए कहा। राजकुमार ऑडिशन के लिए आने से पहले कई बार तस्वीरें भेज चुके थे। राजकुमार ने शेयर किया कि उन्हें ऑडिशन के लिए दी गई डिटेल के कारण कुछ अजीब कपड़े पहनने थे और किसी ने उन्हें कह दिया कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि ये मौका उनके हाथ से निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। राजकुमार ने आगे बताया, मैंने ऑडिशन दिया और 3-4 दिन बाद मुझे फोन आया, दिबाकर को आपका ऑडिशन पसंद आया है, लेकिन आपको अपने चेहरे का वजन कम करना होगा। मैंने कहा, हाँ मैं ये करूँगा। एक हफ्ते में काफी वजन कम हो गया, मैंने बहुत दौड़ लगाई। मैं दूसरे और तीसरे राउंड के लिए वापस आया, आखिरकार मुझे फोन आया जिसका सभी को इंतजार था, बधाई हो, आप दिबाकर की अगली फिल्म के लिए लीड रोल में हैं। राजकुमार राव ने आगे बताया कि उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, लेकिन वो आभारी थे क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने का मौका मिला था। राजकुमार राव ने कहा, मैं ऐसे कह रहा था, भगवान का शुक्रिया, मुझे एक शुरुआत मिल गई। बेशक इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मुझे पहली फिल्म के लिए 11,000 रुपए मिले थे, लेकिन ये पैसे के लिए नहीं था, काम जरूरी था। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले एक्टर राजकुमार राव ने कहा कि अगर वो आज एक्टिंग की दुनिया में हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान हैं।
दरअसल एक्टर के इस खुलासे की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो वीडियो है जिसमें शाहरुख खान राजकुमार राव का आइकॉनिक डायलॉग विक्की प्लीज कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बारे में बात करते हुए राजकुमार ने कहा, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं शाहरुख खान के डायलॉग ना जाने कब से बोल रहा हूँ और अभी भी बोलता हूँ। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा, जब उनके जैसा कोई शख्स मेरा डायलॉग बोलता है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच कहूँ तो आज मेरे एक्टिंग की दुनिया में आने की सबसे बड़ी वजह शाहरुख खान ही है। वही जब राजकुमार राव से पूछा गया कि आखिर वो कौन सा एक्टर है जिसका वो दिल से सम्मान करते हैं, वहीं पर उन्होंने कहा, वो मेरे लिए हमेशा ही एक बड़े स्टार रहेंगे। स्क्रीन पर अगर कोई भी अपनी शानदार अदाकारी से मुझे प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, तो वो मेरे लिए स्टार है। इसी बीच जब एक्टर से पूछा गया कि वो अपनी फिल्मों को सफल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पर उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ कोशिश करता हूं और जो अभिनय मुझे दिखाया जाता है उसे निभाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। बिल्कुल, मैं बहुत मेहनत करता हूं। जो भी रोल मुझे दिया जाता है तो पर्दे पर उतारने के लिए मैं अपना सब कुछ लगा देता हूं। सुपरस्टार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में जोया का किरदार निभाकर तृप्ति डिमरी ने सोशल मीडिया की जनता ने उन्हें रातों रात भाभी 2 का टैग देकर नेशनल क्रश बना डाला था। लेकिन अब वही यूजर्स तृप्ति के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह उनकी आने वाली फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का लेटेस्ट सॉन्ग महबूब है। इस गाने में तृप्ति डिमरी के बेतुके डांस मूव से यूजर्स काफी नाराज हैं और उन्होंने एक्टर्स को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का दूसरा गाना मेरे महबूब रिलीज हो चुका है। सोमवार को इस गाने को जारी करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नीले रंग के लहंगे में तृप्ति बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपने लुक को छोटी बालियों, कंगन और अंगूठियों के साथ पूरा किया। कम मेकअप और खुले बालों में तृप्ति बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ये मेरे महबूब सॉन्ग रिक्रिएट वर्जन नहीं, 1964 वाली मेरे महबूब का, क्योंकि तृप्ति के मेरे महबूब एक आइटम सॉन्ग है। और वहीं किशोर दा के मेरे महबूब के गाने की बात करें तो उफ क्या लाइन थी वो, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मेरी मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। किशोर कुमार के गाने के शौकीन हैं तो कई बार ये गाना सुना होगा। किशोर दा की आवाज में जब कोई नगमा रिकॉर्ड होता है तो ये मान लिया जाता था कि वो श्रोताओं के दिलों में जगह बना लेगा। ऐसा ही कुछ साल 1964 में हुआ जब ये दर्द भरा गाना सामने आया। ये गाना इतना हिट हुआ था, हर किसी की जुबा पर यही गाना था। 59 साल बाद भी इस गाने को लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं और इसके कई वर्जन अब तक बन चुके हैं। मेरे महबूब मिस्टर एक्स इन बॉम्बे 1964 का है। ये फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी और इसे शांतिलाल सोनी ने निर्देशित किया था। ये साइंस फिक्शन रोमांटिक फिल्म थी और इसमें किशोर कुमार ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ कुमकुम और मदनपुरी नजर आए थे। फिल्म की कहानी उस दौरान के अनुसार एक्सपेरिमेंट थी और ये दर्शकों के सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई थी। फिल्म में चूंकि किशोर कुमार ने लीड रोल प्ले किया था इसलिए फिल्म के गाने भी उन्होंने ही गाए थे। फिल्म में उन्होंने 5 गाने गाए थे जिसमें मेरे महबूब के 2 वर्जन शामिल थे। फिल्म की सिचुएशन के अनुसार इनविजिबल किशोर ये गाना गाते हैं। फिल्म की रिलीज के साथ ही ये गाना तेजी से जनता के बीच लोकप्रिय हो जाता है, खासकर युवाओं के लिए ये बेहद खास बन गया था। इस गाने को एवरग्रीन किशोर दा सॉन्ग माना जाता है। बता दें, फिल्म के लिरिक्स आनंद बख्शी और आदर्श भोपाली ने लिखे थे। किशोर दा के बेटे अमित कुमार भी कई दफा लाइव कॉन्सर्ट में इस गाने को गा चुके हैं। वो खुद अपने कॉन्सर्ट में ये बात कह चुके हैं कि ये पापा का सबसे खास गाना है। खैर, जब भी पुराने गाने पुराने स्टार्स की बात होती है हम में एक नॉस्टैल्जिया आ जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत बातें इनकी भी कर ली और आपको क्लियर भी हो गया कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में गाना रिक्रिएट नहीं किया गया है, बस टाइटल सेम है, बाकी लिरिक्स गाने के कैटेगरी सब डिफरेंट है। तृप्ति ने कार्यक्रम में अपने पहले आइटम डांस को लेकर उत्साह व्यक्त किया। तृप्ति ने कहा कि वो माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही उन सभी गानों पर डांस करने की कोशिश करती थी। वहीं राज सिंडिलिया ने तृप्ति की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत खुश हैं कि इतने अच्छे तरीके से ये गाना तैयार हो गया। वहीं गाने को लेकर जब तृप्ति से सवाल किया गया कि इसे देखकर लोग उनकी तुलना टिप टिप बरसा पानी से कर रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है, इस जवाब को देते हुए तृप्ति ने कहा कि गाने में 2 सीक्वेंस दिखते हैं लेकिन इसकी तुलना उन 2 गानों से नहीं की जानी चाहिए।
कार्यक्रम में जब सचिन जिगर से पूछा गया कि 90s के दशक पर आधारित इस फिल्म के गाने को उन्होंने किस म्यूजिक से प्रेरणा ली, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिल्म के बीट 100% ओरिजिनल है, लेकिन 90 के दशक के संगीतकार विजू शाह, नदीम श्रवण और जतिन ललित उनके आदर्श रहे हैं। इस गाने से जहां तृप्ति को लोगों से बुरी बातें सुनने को मिली, वहीं कुछ ऐसे भी ऑडियंस हैं जो तृप्ति को उनकी हर अदा में पसंद कर रहे हैं। उन लोगों ने इस गाने के साथ तृप्ति को बहुत प्यार दिया, सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की। मेरे महबूब बहुत ही इम्पैक्टफुल और वी कैन से मील के पत्थर को पार करने के लिए तैयार है और सीजन की सबसे बड़ी हिट में से एक के रूप के लिए गीत प्राप्त करना जारी रखता है। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के शानदार प्रदर्शन और शानदार निर्देशन का प्रूफ है, जो सिल्वर स्क्रीन पर एक फ्रेश एनर्जेटिक फील देता है। गाने की आधुनिक बीट के साथ पुरानी यादों का अनूठा मिश्रण है, जिसने सभी एज ग्रुप के दर्शक को अट्रैक्ट किया है। बेहतरीन कोरियोग्राफी, शानदार दृश्य और एक आकर्षक कहानी के साथ इस गाने का वीडियो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस बन गया है। प्रशंसकों को विशेष रूप से अभिनेताओं की केमिस्ट्री और गाने का आकर्षक हुक पसंद आ रहा है। विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, लेकिन फिल्म में मल्लिका शेरावत और विजय राज की भूमिका ने भी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। राज सेंडिलिया विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में मल्लिका शेरावत की वापसी को देखकर उनके प्रशंसक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर जारी हो चुका है और ट्रेलर में मल्लिका शेरावत की एक्टिंग को देखकर दर्शक की फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। ट्रेलर पर ही दर्शक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपकमिंग फिल्म को पैसा वसूल फिल्म बता दिया है। फिल्म में मल्लिका शेरावत और विजय राज अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोनों की जोड़ी को फिल्म के ट्रेलर में काफी पसंद किया जा रहा है। स्त्री 2 के बाद राजकुमार राव अपनी अगली फिल्म से तहलका मचाने के लिए तैयार है। तृप्ति डिमरी संग फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। इससे पहले फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, जिसने लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर देख कर लगता है कि दर्शकों को रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी का फुल ऑन डोज मिलने वाला है। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं 11 को एक और मूवी आ रही है। ये मूवी आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा है। जिगरा और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, ये दोनों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। जहां आलिया भट्ट की जिगरा एक एक्शन और थ्रिलर ओरिएंटेड फिल्म है, वहीं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कॉमेडी कैटेगरी की फिल्म है। जहां विक्की विद्या की वो वाला वीडियो के ट्रेलर की शुरुआत राजकुमार राव, विक्की और तृप्ति डिमरी विद्या के वीडियो शूट होने से शुरू होती है। इसके बाद उनकी सुहागरात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विक्की विद्या से कहता है कि ये बॉलीवुड कपल की तरह अपनी सुहागरात का वीडियो बनाएंगे। बाद में उनकी इस वीडियो की सीडी चोरी हो जाती है और यही ड्रामा शुरू हो जाता है। वहीं अगर आलिया भट्ट की फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को मर्द को दर्द नहीं होता वाले वासन बाला ने बनाया है। जिगरा को करण ने अपने बैनर धर्मा के तले प्रोड्यूस किया है। जब पिछले साल ये फिल्म अनाउंस की गई थी, तभी से जनता में हाइप बनने लगी थी। पहली वजह तो फिल्म के डायरेक्टर वसन बाला हैं। उन्होंने अब तक जितना भी काम किया है, क्वालिटी डिलीवर की है। दूसरी बात, आलिया भट्ट भी बीते कुछ सालों में अलग अलग जॉनर में एक्सपेरिमेंट करती आ रही हैं। जिगरा के टीजर ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये सिनेमा घरों में माहौल बना देगी। टीजर के शुरुआत में आलिया का किरदार किसी से कह रहा होता है कि कैसे उसके पेरेंट्स नहीं हैं, जिस रिश्तेदार ने पहना दिया उसने फिर कुछ गलत किया। इस दुनिया में अपना कहने के लिए उनके पास सिर्फ उनका छोटा भाई है। छोटे भाई का रोल वेदांग रैना ने किया है। किसी वजह से वो विदेश जेल में बंद है। अब आलिया का किरदार कुछ भी करके उन्हें वहाँ से निकालना चाहता है। एक जगह मनोज पावा का किरदार कहता है कि बच्चन नहीं बनना है, सिर्फ बच के निकलना है। इस पर आलिया कहती है अब तो बच्चन ही बनना है। मेकर्स ने टीजर में फूलों का तारों का गाने को रिक्रिएट किया है। ये वर्जन वेदांग रैना ने ही गाया है। ये ओरिजिनल गाना साल 1971 में आई हरे कृष्णा हरे राम फिल्म का है। फिल्म में देवानंद और जीनत अमान भाई बहन थे। कहानी यही थी कि एक भाई अपनी बहन को ढूंढने और उसे बचाने निकल पड़ता है। वो जीनत के किरदार को डॉन से बचाने की कोशिश करता है। जिगरा ने इसी नैरेटिव को फ्लिप कर दिया है। यहाँ बहन एक भाई को बचाने के लिए निकली है। टीजर का सबसे मजबूत पक्ष है कि ये फिल्म विजुअली फ्रेश है और ओरिजिनल लगती है। वैसे ज्ञानी ध्यानी बहस कर सकते हैं कि ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता और हर चीज एक दूसरे से किसी ना किसी तरह प्रेरित है, लेकिन जैसे फ्रेंच न्यू वेव के जनक गोदार ने कहा, फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से कुछ लिया है,
फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहां लेकर जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जिगरा मूवी को श्रीदेवी की गुमराह मूवी का भी अडेप्टेशन माना जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर टीजर को इतनी सराहना के बाद खुलासा हुआ कि ये फिल्म साल 1993 की एक फिल्म का अडेप्टेशन है। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। साल 1993 में आई फिल्म का नाम गुमराह है, जिसमें संजय दत्त, श्रीदेवी और राहुल रॉय ने एक्टिंग की थी। फिल्म को करण जौहर के पिता यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था। इसे बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक एक सोर्स ने कहा, जिगरा 1993 की फिल्म गुमराह का अडेप्टेशन है, जिसमें संजय दत्त, श्रीदेवी और राहुल रॉय थे। ये एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो अपने प्रेमी को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, जो एक विदेश की जेल में कैद है। वहीं अगर विक्की विद्या के वो वाले वीडियो मूवी की बात करें तो इस मूवी को भी हॉलीवुड की मूवी सेक्स टेप का अडेप्टेशन माना जा रहा है। लेकिन ये तो मूवी देखने के बाद ही मालूम होगा अडेप्टेशन थी या नहीं, और अगर थी तो क्या इन फिल्मों ने ओरिजिनल फिल्मों को जस्टिस दिलाया है या नहीं। जिगरा के कुछ स्टंट्स देखकर किसी जापानी एक्शन मंगा की याद आती है। मंगा एक खास तरह की डिजाइन वाली कॉमिक्स होती है। बाकी टीजर को इतने कायदे से कट किया गया है कि पूरी कहानी का कोर इमोशन भी आप तक पहुंचता है, लेकिन आपको किसी एक किरदार के नाम तक की भनक नहीं पड़ती। वो जिज्ञासा बनी रहती है कि ये लड़की खुद से इतना सब कुछ कैसे करेगी। बता दे कि जिगरा और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो दोनों ही 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। विक्की विद्या के वो वाले वीडियो में मल्लिका शेरावत का भी अहम रोल है। ख्वाहिश, मर्डर, प्यार के साइड इफेक्ट, आपका सुरूर, द रियल लव स्टोरी और वेलकम जैसी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में बोल्ड एंट्री करने के लिए जाने जाने वाली 2000 के दशक के मिडल में सबसे फेमस एक्टर्स में से एक बन गई। हालांकि जैसे जैसे 2010 का दशक आगे बढ़ा, शेरावत धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिनेमा से दूर होती गईं और उनकी फिल्में कम ही आई। अब एक लंबे गैप के बाद वो अब राज सैंडिल्य की अगली फिल्म विक्की विद्या के वो वाले वीडियो से वापसी करने के लिए तैयार हैं। निर्देशक राज ने बताया कि शेरावत कैसे फिल्म का हिस्सा बनी। मैंने मल्लिका शेरावत को ध्यान में रखते हुए भूमिका लिखी। फिल्म 1997 में सेट है और उनका किरदार एक मिडिल क्लास की पैसुनिएट वुमेन का है। जब हमने शुरुआत में संपर्क किया तो उन्हें लगा कि हम उन्हें डांस नंबर का ऑफर कर रहे हैं। राज ने ई टाइम्स के साथ एक विशेष इंटरव्यू में शेयर किया कि हालांकि जब शेरावत को पता चला कि ये भूमिका खास तौर पर उनके लिए लिखी गई है तो उन्होंने तुरंत इस विचार को स्वीकार कर लिया और इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। राज ने कहा, जब हमने उन्हें बताया कि ये भूमिका सिर्फ उनके लिए लिखी गई है तो उन्हें ये किरदार बहुत पसंद आया और वे तुरंत इसके लिए राजी हो गई। फिल्म में शेरावत की भूमिका एक साहसी हिम्मत वाली महिला की है जो अपने समय से आगे की सोच रखती है। ये एक ऐसा तत्व है जो अतीत में उनके द्वारा निभाए गए मजबूत किरदार से मेल खाता है। अक्सर कुछ फिल्मों, गानों और सीरीज पर विवाद हो जाता है। हाल ही में रिलीज कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को विवादों का सामना करना पड़ा। ये मामला शांत ही हुआ था कि अब राज सैंडिल्य के निर्देशन में बनी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो भी विवादों में है। दरअसल इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये हॉलीवुड फिल्म सेक्स टेप से कॉपी की गई है। हालांकि अब इस पर फिल्म के डायरेक्टर का बयान आ गया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। जैसे कि फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो पर बवाल होना शुरू हुआ तो मामला सुर्खियों में आता चला गया, वहीं इस पर अब राज सैंडिल्य ने खुद रिएक्ट किया है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने जैसन सैगेल और कैमरून डियाज की फिल्म सेक्स टेप को जरा भी नहीं देखा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फिल्म कॉपी की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म में सेक्स जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि वो कपल अपनी लापरवाही की वजह से सीडी खो देते हैं। डायरेक्टर ने आगे कहा कि इस फिल्म के सभी किरदार, कहानी पूरी तरह से अलग है, तो भला ये कॉपी कैसे हो सकता है। उनका कहना है कि जो लोगों के आसपास रहा है उसे देखकर उन्होंने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो इस अपकमिंग फिल्म के अगले पार्ट पर भी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में इस अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। रिलीज के साथ ही ये सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने इसको खूब पसंद किया। हालांकि ट्रेलर को देखने के बाद लोगों ने ये भी कहा कि ये हॉलीवुड फिल्म सेक्स टेप से कॉपी की गई है। लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर ने इसको साफ कर दिया है और जो सच है वो दुनिया को बता दिया है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, जिगरा, ये दोनों तो आ ही रही है, पर इसके साथ साथ बादशाह रवि कुमार भी रिलीज हो रही है। विक्की विद्या कॉमेडी जॉनर है, जिगरा एक्शन जॉनर है, तो ये बादशाह रवि कुमार किस कैटेगरी में है। तो आइए इस मूवी का भी प्लॉट टाइम जान ही लेते हैं।
बाकी तय तो आपको करना है कि आप कौन सी मूवी देखने जाओगे। 2014 में एक अंगारेदा फिल्म आई थी, द एक्सपोज, मीम जब आम नहीं थे। ऐसे समय में उस फिल्म ने मीम वाला कंटेंट दे डाला था। सिनेमा जगत को उसका सबसे बड़ा योगदान था रवि कुमार के रूप में। जिस तरह पिछली सदी में अमिताभ का विजय था, शायद उसी तरह हिमेश भी रवि कुमार को बनाना चाहते थे। हाथ में शैंपेन का ग्लास थामे रवि कुमार अगर आपको याद नहीं आ रहे तो कोई गलत नहीं, उनके कुछ डायलॉग्स में आपको सुना देता हूँ। रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ और नहीं लेता। तेरे शरीर में उतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। मैं आपकी फिल्म में काम करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं विलन से मार नहीं खाऊंगा। वो कहावत सुनी होगी ना, राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो मगर वो राजकुमार ही है। इतना सुनकर अगर आपने ये स्टोरी बंद नहीं की तो आगे की पूरी कहानी आपके लिए ही है। हम सबको धन्य करने रवि कुमार फिर से लौट रहे हैं। हिमेश ने अपने सोशल मीडिया पर खुद ये अनाउंसमेंट की थी, लिखा कि लोग उनकी फिल्म द एक्सपोज से रवि कुमार का स्पिन ऑफ चाहते हैं। हिमेश सर, लोग तो आपका पुराना इमरान हाशमी वाला वजन भी चाहते हैं। खैर छोड़िए, उन्होंने आगे लिखा कि वो रवि कुमार की कहानी एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म मिला रहे हैं। ये फिल्म होगी बादशाह रवि कुमार। हिमेश के मुताबिक यहाँ उनका हीरो 10 विलन से लड़ेगा। वैसे पिछली वाली फिल्म में उनके डायलॉग बड़े मशहूर थे, ऐसा हम नहीं हिमेश खुद कह रहे हैं। नई फिल्म के डायलॉग्स भी उसी तर्ज पर होंगे। 3 मिनट का एक अनाउंसमेंट ट्रीजर रिलीज किया गया जहां रवि कुमार का एक ऑनलाइन डायलॉग सुनने को मिला और वो डायलॉग है, जिन तूफानों में तुम्हारे कपड़े उतर जाया करते हैं हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। रवि भाई साहब, इस लाइन से मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर आपने बादशाह रवि कुमार का ट्रीजर देखा तो समझ आ जाएगा कि रवि कुमार क्या कहना चाहते हैं। पूरे ट्रीजर में आग लग रही है, नहीं ट्रीजर में आग नहीं लग रही बल्कि जलती हुई गाड़ी आदि के शॉट में आग लग रही है। ऐसे में रवि भैया गाड़ी से उतरते हैं लेदर की पैंट पहने। इतनी गर्मी में लेदर की पैंट, ऐसी पैंट अगर कोई धोएगा तो सुखाने के लिए तूफान ही लगेगा। मतलब खामखा ही लोग बोलते हैं कि हिमेश की फिल्मों में लॉजिक नहीं होता। पहले ये फिल्म पिछले साल 2023 में रिलीज होने को थी लेकिन इसकी रिलीज डेट टाल दी गई। बॉलीवुड के एक फिल्म एनालिस्ट ने अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम हैंडल पर बैज एड रवि कुमार की रिलीज डेट को लेकर जानकारी साझा की। वहीं हिमेश रेशमिया की आने वाली फिल्म बैड एज रवि कुमार 11 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। बता दे कि ये पहला मौका नहीं जब हिमेश रेशमिया किसी फिल्म में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो हीरा में नजर आए थे, ये फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से पहले वो 13 सुरूर, द एक्सपोज और खिलाड़ी 786 में नजर आ चुके हैं। गौरतलब है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में शोहरत पाने के बाद हिमेश ने साल 2007 में एक्टिंग की दुनिया में आने का फैसला किया था। फिल्म का नाम आपका सुरूर था। इस फिल्म के गाने लोगों को बहुत पसंद आए थे लेकिन उनकी एक्टिंग लोगों पर जादू चलाने में नाकाम रही। जिन लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में टिकने और कदम जमाने के लिए एक गॉडफादर की जरूरत होती है, बिना गॉडफादर के आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें विजयराज के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। विजयराज हिंदी सिनेमा का वो कीमती हीरा है जिसकी चमक वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। 2 दशक से भी लंबे करियर में विजयराज ने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए हैं। लोग उन्हें आज भी फिल्म रन में निभाए कोवा बिरयानी के लिए याद करते हैं। जब वो संजय लीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में एक ट्रांसजेंडर के रोल में दिखे तो सभी को चौंका दिया। कड़ी मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती, ये बात विजयराज ने साबित की है। हम आपको विजयराज की कहानी बताने जा रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बस नेपोटिज्म का डंका बजता है, उनकी आंखें विजयराज की कहानी से जरूर खुल जाएंगी। विजयराज सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि अपनी दमदार आवाज के दम पर एडवर्टाइजमेंट की दुनिया पर भी छाए हुए हैं। विजयराज की एक्टिंग में इतने रंग हैं कि देखने वाला देखता रह जाता है। विजयराज आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत दुख भरे दिन बिताए हैं पर कभी हिम्मत नहीं हारी। फिल्म कंपेनियन के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बायोपिक में उन दिनों के बारे में बताया था जब वो और विजयराज
रूममेट थे और हालत इतनी खराब थी कि पार्ले जी बिस्किट खाकर गुजारा करते थे। लेकिन विजयराज ने खुद कभी अपने स्ट्रगल और मुसीबत भरे दिनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। नवाज ने बताया था कि उनके और विजयराज के दिन इतने खराब थे कि वो नाश्ते से लेकर लंच डिनर में सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और चाय ही लेते थे, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि खाने का जुगाड़ कर सके। फिर वो वक्त भी आया जब बिस्किट भी निपट गए। विजयराज पढ़ाई में अच्छे थे, उन्होंने दिल्ली के स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। क्योंकि एक्टिंग का चक्कर था, कलाकार आदमी बनना था, इसलिए विजयराज कॉलेज से ही थिएटर ग्रुप में जुड़ गए। वो छोटे मोटे नाटक में हिस्सा लेने लगे। कॉलेज खत्म होते होते विजयराज के मन में एक्टर बनने का ख्वाब पूरा रूप ले चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि वो कुछ भी कर एक्टर बनेंगे। एक्टर बनने का ख्वाब आंखों में लिए विजयराज मुंबई आ गए। मुंबई आने से पहले विजयराज ने NSG स्कूल ऑफ नेशनल ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी में काम किया था। इसी के दौरान नसीरुद्दीन शाह की पहली मुलाकात विजयराज से हुई। नसीरुद्दीन शाह ने ही विजयराज का नाम फिल्म भोपाल एक्सप्रेस के लिए सुझाया। ये 1999 की बात है। नसीरुद्दीन शाह उस वक्त भोपाल एक्सप्रेस में काम कर रहे थे। नसीरुद्दीन शाह की बदौलत विजयराज को इस फिल्म में काम मिल गया। इस तरह विजयराज ने 1999 में बॉलीवुड की दुनिया में अपना कदम रखा। इसके बाद 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से करियर की कायापलट ही हो गई। उन्होंने मॉनसून वेडिंग, कंपनी, 5 रोड, युवा, डेली बेली और स्त्री जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में विजयराज के निभाए किरदार ने दर्शकों के दिल में अलग जगह बना ली थी। जूम एंटरटेनमेंट के एक इंटरव्यू में विजयराज ने बताया, असली संघर्ष तब होता है जब एक सिक्योरिटी गार्ड 12,000 रुपए प्रति महीना कमाता है और परिवार का पालन पोषण करता है। हालांकि वो सिक्योरिटी गार्ड बनना नहीं चाहते थे, लेकिन वो मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उसे करना ही है। हर किसी को मंजिल चुनने के लिए आज़ादी नहीं मिलती। 1% से कम लोगों के पास ये आज़ादी होती है। जैसे कि आप एक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं, भले ही आप सफल हो या ना हो, लेकिन आप कर तो वही रहे हैं ना जो आप करना चाहते हैं। विजय ने आगे कहा, जिंदगी एक संघर्ष है। अगर आपके पास साइकिल है लेकिन कार चलाना चाहते हैं तो ये भी एक संघर्ष है। लोगों के मुताबिक सफलता का मतलब है कि आपके पास कितने घर हैं, कितनी कारें हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मेरे मुताबिक आप शांत नहीं हैं तो आप असफल हैं। विजय ने यह भी बताया कि उन्होंने ऐसे भी दिन फेस किए हैं जहां उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, जब खाने को ज्यादा नहीं रहता था तब मैं भी मौज में था। मैं फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई उम्दा कलाकार हैं जो फिल्मों में भले ही लीड रोल ना करते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन दर्शकों के दिल में हमेशा एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इस सूची में बेहतरीन कलाकार विजयराज का भी नाम शामिल है। विजयराज एक ऐसे कलाकार हैं जो कई बड़ी फिल्मों में साइड रोल में नजर आए, लेकिन फिर भी वो हीरो पर भारी पड़ गए। कॉमेडी हो या थ्रिलर, विजयराज हर किरदार में जान फूंक देते हैं। यही कारण है कि मुख्य हीरो ना होने के बाद भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के साथ विजयराज हर बार दर्शकों के चेहरे पर हंसी ला ही देते हैं। विजय आलिया भट्ट के साथ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आए थे। फिल्म में विजयराज रजियाबाई के किरदार में थे। अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने रजियाबाई के किरदार के साथ न्याय किया था। भले ही इसमें रजियाबाई यानी विजयराज का रोल कुछ ही देर का रहा हो, लेकिन अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम को भले कौन भूल सकता है। नाना पाटेकर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, परेश रावल और फिरोज खान के बीच भी विजयराज ने अपने छोटे से रोल में सभी का ध्यान खींच लिया था। इस फिल्म में विजयराज डायरेक्टर के किरदार में नजर आए थे, जो नाना पाटेकर को एक्टिंग करना सिखाता है। इसमें भी विजयराज के किरदार ने दर्शकों को खूब मनोरंजन किया था। फिल्म डेली बेली में विजय के डॉन के किरदार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। फिल्म में विजय का किरदार भले ही डॉन का था, लेकिन उन्होंने लोगों को डराने की बजाय हंसाने का काम किया था। दर्शकों को उनका किरदार काफी पसंद आया था। 2004 में आई फिल्म रन में एक कौवा बिरयानी वाले सीन को भला कौन भूल सकता है। हालांकि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य किरदार में थे, लेकिन विजय के इस सीन ने फिल्म को यादगार बना दिया था। आज भी कई लोग इस फिल्म को कौवा बिरयानी वाले सीन के लिए याद रखते हैं। यहां भी विजयराज हीरो पर भारी पड़ गए थे।
अपनी शानदार और लाजवाब कॉमेडी से दुनिया को ठाके लगाने के लिए मजबूर करने वाले विजयराज का जन्म 5 जून 1963 के दिन दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने दिल्ली में ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसी जगह से ही विजय की जिंदगी में एक्टिंग की ट्रेनिंग हो गई। दरअसल वो कॉलेज के दिनों में थिएटर ग्रुप से जुड़ गए, साथ ही स्ट्रीट प्ले और मंचीय नाटक करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद विजय ने तय कर लिया कि उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ही अपना करियर बनाना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विजय ने एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन बॉलीवुड का सफर तय करने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो सिर्फ मशहूर आर्टिस्ट बनना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने 10 साल तक थिएटर किया। उस दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक प्ले के दौरान नसीरुद्दीन शाह की नज़र विजयराज पर पड़ी और उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया। विजय जब मुंबई पहुंचे तो नसीरुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में विजय को भी इस फिल्म में छोटा मोटा रोल मिल गया। इसके बाद वो जंगल, दिल पे मत ले यार, अक्ष आदि फिल्मों में नजर आए। मीरा नायक की मॉनसून वीडियो ने विजय की किस्मत को करवट दी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। वहीं अभिषेक बच्चन की फिल्म रन विजयराज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म का छोटा सा किरदार हीरो समेत तमाम स्टार कास्ट पर भारी पड़ गया था। आज भी रन की चर्चा होने पर विजयराज का सीन सबसे पहले याद आता है, जहां विजय राजकुमार के साथ काम कर रहे हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में। वहीं उन्हें अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से बाहर कर दिया गया है। अजय देवगन की सन ऑफ सरदार का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसकी शूटिंग इन दिनों विदेश में हो रही है। मूवी में एक्टर विजय राज एक बहुत जरूरी रोल करने वाले थे, मगर अब उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया है। इसके पीछे की दो अलग अलग वजह बताई जा रही है। मेकर्स का कुछ कहना है और विजय राज कुछ और ही बात बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सन ऑफ सरदार 2 को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले संजय दत्त का US वीजा कैंसिल कर दिया गया, वो शूटिंग के लिए US नहीं जा सके। फिर अब विजयराज वाली खबरें सामने आई हैं। पिंक विला ने फिल्म के को प्रोड्यूसर मंगत पाठक से इस बारे में बात की तो उन्होंने कंफर्म किया, विजयराज को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। मंगत ने अपना वर्जन रखते हुए कहा, हाँ ये सच है, हमने विजयराज को निकाल दिया है क्योंकि सेट पर उनका बिहेवियर बहुत खराब और अजीब था। वो बड़े कैमरे और वैनिटी वैन की डिमांड कर रहे थे, साथ ही अपने स्पॉट बॉय के लिए बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे। उनके स्पॉट बॉय को एक दिन में 20,000 रुपए दिए जा रहे थे, जो कि किसी बड़े एक्टर की फीस के लगभग बराबर है। UK बहुत बड़ी जगह है, यहाँ सभी को स्टैंडर्ड कमरे ही दिए जाते हैं, मगर वो और ज्यादा बड़े कमरे की मांग कर रहे थे। मंगत ने आगे बताया, जब हमने उन्हें खर्चों के बारे में बताया तो उन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया, सभी से बहुत रूडली तरीके से बात की। वो लगातार ये कहते रहे कि आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, मैं कौन सा आपके सामने काम मांगने आया। हम उनकी हर डिमांड मान भी रहे थे, मगर उनका बर्ताव दिन प्रतिदिन बेकार होता जा रहा था। उनकी मांगे खत्म ही नहीं हो रही थी, वो 3 लोगों के लिए 2 अलग अलग कमरों की डिमांड कर रहे थे। हम ये सब कैसे कर सकते थे। जब ये सब ज्यादा हो गया तो हमने तय किया कि हम उन्हें फिल्म से निकाल देंगे। इसी मामले में पिंक विला ने विजय राज से भी बात की। उन्होंने अपने वर्जन में अलग ही बात कही। उन्होंने कहा, मैं ट्रायल से कुछ देर पहले ही लोकेशन पर पहुंच गया था। मैं वैन में पहुंचा और रवि किशन मुझसे मिलने आए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आशीष और प्रोड्यूसर मंगत भी मुझसे मिलने आए, फिर डायरेक्टर विजय अरोड़ा आए। मैं अपनी वैन से बाहर निकला और करीब 25 मीटर दूर अजय देवगन खड़े थे। मैं उनसे मिलने नहीं गया क्योंकि वो व्यस्त थे, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। 25 मिनट बाद मंगत मेरे पास आए, आप फिल्म से निकल जाएं, हम आपको निकाल रहे हैं। बस मेरा कसूर यही था कि मैंने अजय देवगन से बात नहीं की, उन्हें ग्रीट नहीं किया। मैं तो क्रू से भी नहीं मिला, बस वही 2-4 लोग थे जिनसे मैं मिला था। सेट पर पहुंचने के 30 मिनट बाद ही मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैंने अजय देवगन से मुलाकात नहीं की। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके साथ खराब बर्ताव करने की बात ही नहीं उठती। कुमार मंगत ने विजय की इस बात को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अजय हमेशा सभी का सम्मान करते हैं। विजय के आरोप गलत हैं। कमरे की डिमांड वाली बात पर विजय बोले कि उन्हें बहुत छोटा कमरा दिया गया था, जिसमें चलने फिरने तक की जगह नहीं थी। वो 26 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो उन्हें ऐसा कमरा तो मिलना चाहिए जिसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस हो। बेसिकली विजय राज और प्रोड्यूसर दोनों ही एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप जड़ रहे हैं।
इसी बीच मंगत ने बताया कि विजय राज वाला रोल संजय मिश्रा को दे दिया गया है। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय राज के स्पॉट बॉय पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। रिपोर्ट के मुताबिक शराब के नशे में उन्होंने होटल के स्टाफ से बदतमीजी करने की कोशिश की। हालांकि विजय ने कहा कि ये तो दो बातें हैं। उन्हें 4 अगस्त की दोपहर 2 बजे फिल्म से निकाल दिया गया और उनके स्पॉट बॉय के खिलाफ शिकायत रात को 11 बजे आई। दोनों घटनाओं के बीच 10 घंटे का फर्क है। विजय ने बताया कि उन्होंने उस स्पॉट बॉय को निकाल दिया है। खैर, सन ऑफ सरदार 2 में संजय मिश्रा और अजय देवगन के अलावा रवि किशन, मृणाल ठाकुर, चंकी पांडे, विंदु दारा सिंह, दीपक दोबरियाल, मुकुल देव, अश्वनी काल शेखर, कुबरा सेठ और संजय दत्त नजर आएंगे। फिल्मों और OTT पर तो विजय राज अपना जादू दिखा चुके हैं, लेकिन जियो सिनेमा पर विजय राज पहली बार प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। वो मर्डर इन महीने में पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। इस वेब सीरीज में विजय राज के साथ आशुतोष राणा भी हैं। 10 मई को ये वेब सीरीज जियो सिनेमा पर स्ट्रीम कर दी गई है। विजय राज भले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन वायरल होने वाले मीम के जरिए इंटरनेट पर उनसे मुलाकात होती रहती है। वो भी फिल्म रन का 5 रुपए वाली चिकन बिरयानी वाले डायलॉग हो या फिर धमाका का नहीं करना था। भले ही आज की रील जनरेशन में उनकी फिल्में ना दिखी हों, लेकिन केवल वन लाइनर उन पर भी वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हाल ही में जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने वाली वेब सीरीज मर्डर इन महीने के प्रमोशन के दौरान विजय राज ने मीडिया से की खास बातचीत में बताया कि वो फिल्म रन कभी करना नहीं चाहते थे। 20 साल पहले यानी साल 2004 में रिलीज हुई रन फिल्म में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में विजय राज ने अभिषेक बच्चन के दोस्त का किरदार निभाया था। भले ही वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाने में कामयाब ना हुई हो, लेकिन इस फिल्म से विजय राज का डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। इस डायलॉग में 5 रुपए की चिकन बिरयानी, भैया वो कौवा बिरयानी है, अब खाइए कौवा बिरयानी, तो मोहम्मद रफी जैसी आवाज थोड़ी आएगा, क्या मुर्गे को पोलियो हुआ है, छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा दिया, जैसे कई डायलॉग्स खूब मशहूर हुए थे। आज भी मीम बनाने के लिए उनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। विजय राज ने बताया कि दरअसल वो रन नहीं करना चाहते थे, लेकिन सीधे उन्होंने फिल्म को ना नहीं कहा। उन्होंने प्रोडक्शन से ज्यादा पैसे मांग लिए और वो उन्हें पैसे देने के लिए भी राजी हो गए। इसलिए फिर ज्यादा पैसे की वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया। अगर आपको नहीं पता तो बता दे, रन में पंकज त्रिपाठी भी आए हैं, ये भी अननोन बात है, आज नोन कर देते हैं। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड सिनेमा के ऐसे सितारे हैं जिसने स्ट्रगल का मायना बदल दिया। अपनी सादगी और प्यारी मुस्कान से सभी का दिल जीतने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी को शायद ही कोई ना जानता हो। मिर्जापुर के कालीन भैया का किरदार हो या फिर मसान के टिकट कलेक्टर का, अभिनय कला की गहराइयों में जाकर किरदार का मरहम पकड़ने वाले पंकज त्रिपाठी दर्जनों फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग एक साथ करते हैं। लेकिन अभी ऐसा भी दौर था जब उन्हें घर खर्च चलाने के लिए टीवी सीरियल में काम करना पड़ा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की डिग्री करने के बाद पंकज त्रिपाठी की जिंदगी मुंबई की ओर चल पड़ी। यहां उनकी शुरुआत हुई फिल्म रन से। साल 2004 में आई अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म रन में पंकज त्रिपाठी को पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिला। पंकज त्रिपाठी ने महज 10 सेकंड के रोल में अपनी कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी। इस फिल्म में पंकज ने अभिनय के विशाल वटवृक्ष बनने के अंकुश साफ ही दिखाई दिए। रन फिल्म में पंकज त्रिपाठी के चंद सीन थे जिसमें पंकज त्रिपाठी अपने को एक्टर विजय राज के साथ नजर आए थे। कौवा बिरयानी और छोटी गंगा जैसे हल्के और 10 सेकंड के डायलॉग में भी पंकज त्रिपाठी ने कमाल कर दिया था। पहली ही फिल्म से पंकज फिल्म मेकर्स की आंखों में जम गए। इस फिल्म के बाद पंकज के पास कभी काम की कमी नहीं रही। वहीं फिल्म में विजय राज ने भी अहम किरदार किया था और रातों रात स्टार बन गए थे। पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म के बाद टीवी सीरियल्स में काम किया और कई शानदार फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। आज पंकज त्रिपाठी किसी भी बड़े स्टार से कम नहीं है। महज 20 साल के करियर में 86 से ज्यादा फिल्मों और सीरीज में काम करने वाले पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग का आज हर कोई दीवाना है। किरदार कैसा भी हो, कितने समय का हो, लेकिन पंकज की कलाकारी से 4 चांद लग जाते हैं। पंकज त्रिपाठी के लिए रन फिल्म फायदे की तरह आई। इसके बाद पंकज ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पंकज त्रिपाठी एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों और वेब सीरीज में काम करके लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। वहीं पंकज त्रिपाठी और विजय राज, ये दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने ही बलबूते कदम रखा और सक्सेस की हर झड़ी भी हासिल की। विजय राज का मानना है कि अगर एक मजदूर अपनी मजदूरी करके चैन से नींद सोता है तो वो खुश है,
और कोई करोड़ रुपए कमाने के बाद भी खुश नहीं है, बेचैन है, तो वो असफल है। इसी मंत्र को साध कर जब मुंबई में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वो बेचैन नहीं रहा करते थे, उन्हें बस अच्छे काम की तलाश थी। विजयराज को पहचान मिली साल 2000 में आई मूवी जंगल में, जो राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी थी। मॉनसून वीडियो के पी के दुबे का अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया। आलोचकों ने भी उनके अभिनय की बेहद तारीफ की, साथ ही उन्हें इस फिल्म में उनके कॉमिक अंदाज के लिए कई सारे नॉमिनेशन भी मिले। प्रकाश राज को उनकी पहली फिल्म बतौर लीड एक्टर रुद्र रोमियो मिली। इस फिल्म में उनका किरदार बेहद सुलझा हुआ था, जो दर्शकों को पसंद आया। तमिल रन के हीरो आर माधवन है और विजयराज वाला रन हीरो अभिषेक बच्चन है, लेकिन खुद बोनी कपूर ने माना था कि लोग इस मूवी में हर बार विजयराज के सीन का इंतजार करते थे। रन मूवी के सभी सीन में विजयराज ने जान डाल दी थी। इसके बाद तो विजयराज डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चहेते बन गए थे। ड्रीम गर्ल के शायर को कौन भूल सकता है। अब हम एक एक करके विजयराज की हर एक फिल्मों पर चर्चा करेंगे। मॉनसून वीडियो। बॉलीवुड की ये फिल्म एक से अधिक कारणों से सफल रही। विजयराज का अभिनय उनमें से एक था। वो इस फिल्म में वेडिंग प्लानर की छोटी भूमिका में थे, मगर उनका अभिनय कुछ ऐसा था जिसने सभी को खुश कर दिया। वेडिंग प्लानर जैसे एक जटिल किरदार को उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक उनके किरदार से खुद ब खुद जुड़ गए। रन। इस फिल्म में विजयराज के साथ अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला जैसे बड़े नाम थे, मगर इस फिल्म को मुख्य कलाकारों और कहानी के कारण याद नहीं किया जाता। रन अभी भी दर्शकों के दिमाग में ताजा है। कारण है विजयराज। उनका कौवा बिरयानी वाला दृश्य शायद ही कोई भूला होगा। आज भी हम में से किसी को खिलखिलाकर हंसने का मन करता है। हम इस फिल्म में उन अंशों को देखना पसंद करते हैं जहां विजयराज अभिनय करते नजर आ रहे हैं। वो भले ही एक रियल रोल नहीं हो, मगर उन्हें अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाना आता है। दीवाने हुए पागल। रन की तरह ही इस फिल्म ने भी विजयराज का किरदार दूसरे किरदारों को पछाड़ने में कामयाब रहा। खास बात ये है कि फिल्म में उनके उतने बड़े सीन नहीं थे, लेकिन जब जब उन्हें स्क्रीन पर समय मिला, वो किरदार में पूरी तरह डूबते हुए नजर आए। अक्षय कुमार के विश्वास पात्र और सबसे अच्छा दोस्त के रूप में वो इस फिल्म का हिस्सा रहे। फिल्म के उस दृश्य को याद कीजिए जिसमें वो जोड़ी रीमा सेन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और अक्षय कुमार ने उन्हें माइक ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। इस समय उनकी निष्ठा पर हंसना मुश्किल नहीं था। धमाल। मल्टी स्टारर फिल्म धमाल बहुत सारे लोगों के लिए एक पसंदीदा ऑल टाइम कॉमेडी फिल्म है। कमाल की कास्ट और एक शानदार कहानी को दिखाते हुए ये फिल्म कुछ ज्यादा ही मजेदार साबित हुई। विजयराज इसमें एक आपातकालीन सेवा कर्मचारी के रोल में है। फिल्म में वो जिस तरह से बोमन और उसके पिता के विमान की लैंडिंग कराते हैं, वो इस फिल्म का सबसे बेहतरीन पार्ट बना। आज भी इस विशेष सीन को लेकर तरह तरह के मीम बनते रहते हैं। कहने के लिए ये 5 मिनट के रोल से अधिक नहीं था, मगर उन्होंने इतनी चालाकी और संपर्ण के साथ निभाया कि ये उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक बन गया। वेलकम। इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ रुपेल पर्दे को शेयर किया। इसमें वो एक फर्जी निर्देशक की भूमिका में है, जो उदय शेट्टी को व्यस्त रखने के लिए खुद को व्यस्त रखता है ताकि वो अपराध ना कर सके। वो काफी समय तक इसमें सफल रहे, मगर अंत में वो मजनू भाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। इस कारण उनकी फिल्म में जमकर पिटाई होती है, यानी कि इस फिल्म में उनका किरदार दूसरी फिल्मों से कम असरदार नहीं है। डेली बेली। ये फिल्म विजयराज के लिए एक सफल फिल्म साबित हुई। इसमें उन्हें एक डॉन का किरदार करने का मौका मिला। फिल्म में उनका गुस्सा दर्शकों को डराने से ज्यादा प्रफुल्लित करने वाला था। इस फिल्म में बोले गए डायलॉग्स आज भी समय समय पर लोगों को मीम बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। विलन के रूप में विजयराज का अजीब गरीब व्यवहार इस फिल्म की असली यूएसपी बना। पटाखा। इस फिल्म में विजयराज दो बेटियों के पिता की अहम भूमिका में है। ये फिल्म सिद्धांत रूप में दो बहनों की कहानी है। पूरी फिल्म में दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। हम उम्र के लड़कों से फ्लर्ट करती हैं, यहाँ तक कि भाग के शादी भी कर लेती हैं। ऐसे में विजयराज एक असहाय पिता दोनों को समझा कर थक जाते हैं। हालांकि अंत में वो अपनी बेटियों को एहसास दिलाने में कामयाब रहते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकती। स्त्री। स्त्री एक डरावनी कॉमेडी फिल्म है जो एक सामाजिक बुराई को उजागर करती है। इस फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अपरक्षित खुराना ने भले ही सारी लैम्पलाइट बटोरी हो, लेकिन विजयराज का किरदार कम दमदार नहीं रहा। वो फिल्म में शास्त्री के चरित्र में है, जो ओ स्त्री कल आना की पुस्तक के लेखक है। वो स्त्री की आत्मा के रहस्य को हल्का करते हैं, साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि स्त्री केवल प्यार और सम्मान की भूखी है। गली बॉय।
ये फिल्म मुख्य रूप से रैपर पर केंद्रित थी, लेकिन विजयराज की उपस्थिति को याद करना मुमकिन है रणवीर सिंह के अपमानजनक पिता की भूमिका निभाने में। एक रूढ़िवादी से एक गावित पिता तक का अभिनय उन्होंने जिस तरह से निभाया, उसने फैंस को उसका दीवाना बना दिया। खासकर क्लाइमेक्स सीन को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।